Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5. तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि पिछले कई दिनों से पुलिस हमारा हाथ धोकर पीछा कर रही थी, क्योंकि हम लोगों ने एक न्यूज रिपोर्टर का मर्डर कर दिया था और वो चीज उसके कैमरा मैन ने रिकॉर्ड करके पूरी न्यूज में वायरल कर दी. पूरे के पूरे शहर में हर जगह हमारे वॉन्टेड के पोस्टर लग गए और हमें इधर से उधर छुपना पड़ रहा था, और एट द एंड हमें अपना ही शहर छोड़ के भागना पड़ा. और फिर हम लोग भाग कर आ गए पलीटो में, जो कि एक बहुत छोटा सा गांव है, और मुझे लग रहा था कि पुलिस हमें यहाँ पर ढूंढने नहीं आने वाली. बट पुलिस अगले ही दिन यहाँ पर पहुंच गई. लेकिन अच्छी बात तो यह कि वो लोग हमें ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि मैं एक बहुत छोटे से घर में छुपा हुआ था. पर यार देखो, इस तरीके से पुलिस से भागते रहते तो एक ना एक दिन जरूर पकड़ जाते. और पीछा छुड़ाने के लिए हमारे पास बस दो ही ऑप्शन बचे थे. पहला ये कि मैं सरेंडर कर दूं अपने आप को पुलिस के हवाले करके, और दूसरा ऑप्शन ये कि मैं करूं फेक डेथ, मतलब पुलिस को ऐसा दिखाऊं कि माइकल मारा जा चुका है. अगर माइकल मर जाएगा, सबको ऐसा लगेगा, तो सीधी सी बात है पुलिस हमारा पीछा करना छोड़ देगी. और मैंने यही करा प्लान के अकॉर्डिंग, अपनी फेक डेथ करी एक गैंगस्टर के थ्रू अपने आप को मरवा के, और मामला भी शांत हो चुका है. बट प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं अभी भी लॉस सैंटोस वापस नहीं जा सकता, क्योंकि अभी माइकल को मरे सिर्फ और सिर्फ दो ही दिन हुए हैं. और सीधी सी बात है, अगर हम लोग वहाँ पर वापस चले जाएंगे तो ये सचमुच में बहुत ज़्यादा अजीब बात हो जाएगी. फिलहाल मैं वापस से पलीटो में आ गया था, क्योंकि लेस्टर ने मना कर रखा है लॉस सैंटोस आने के लिए, और यहाँ पर कुछ बीच पे इंजॉय कर रहा था, कुछ कासल बनाए हैं यहाँ पर, थोड़ी बहुत सर्फिंग करी है, कुछ नए दोस्त बना लिए जो कि अपने पड़ोसी ही हैं. और ये सचमुच में बहुत ज़्यादा बोरिंग जगह है लॉस सैंटोस में. यार हमारी इतनी सारी कार्स हैं, इतना बड़ा घर है, वहाँ पर एक अपना शोरूम है, कितना एंजॉय कर रहे थे. बट यहाँ पर एक थोड़ी सी बोरिंग लाइफ है, मतलब बीच है बट बीच पे चार पांच अपने दोस्त, वही पुराने स्टाइल में पार्टी, जो कि सचमुच में बोरिंग है. और इस टाइम मेरा बहुत ज़्यादा मन है कि हम लोग लॉस सैंटोस वापस जाएं किसी भी हालत में. अब लेस्टर ने मना करा है बट मैं फिर भी जाने वाला हूँ. तो ये देखो, कल रात हमने इनके साथ पार्टी करी है और ये लोग अभी दिन तक इनकी पार्टी चल रही है. भैया हो गया, धूप निकल आई है, घर जाओ वापस. फिलहाल मैं निकलता हूँ, मेरे को आज लॉस सैंटोस जाना है. बेचारे ये लोग कितने मासूम हैं, इनको पता नहीं है इन्होंने लास्ट नाइट एक बहुत बड़े क्रिमिनल के साथ पार्टी कर ली है. कोई नहीं, जब बाद में ये लोग न्यूज़ देखेंगे तब इन्हें पता चल जाएगा. फिलहाल हाँ, लॉस सैंटोस मेरा जाने का मन इसलिए है इतना ज़्यादा, क्योंकि आज है माइकल का फ्यूनरल. मतलब मेरे को ये देखना है कि आखिरकार कौन कौन माइकल के फ्यूनरल में आने वाला है. तो चलते हैं लॉस सैंटोस. जाने से पहले मैं ना एक बार्बर शॉप पे चल के एक फेक बियर्ड लगवा लेता हूँ, ताकि थोड़ी बहुत लुक चेंज हो जाए, और फिर फटाफट से हम लोग वहीं पर चलेंगे. और ये यार कसम से ये बाइक ना मस्त तो है, लेकिन आगे पत्थर वत्थर आ जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा बुरी तरह भिड़ती है. ऊपर से मैंने हेलमेट भी नहीं लगा रखा है, जो कि सचमुच में बहुत ज़्यादा अनसेफ है. फिलहाल यहाँ से पत्थर आराम से. वैसे गाइस, अभी पता है मैं क्या सोच रहा था, कि मान लो हम लोग बार्बर शॉप पर जाएं अपनी फेक बियर्ड लगवाने के लिए और वहां का बार्बर ये में पहचान जाए, तो भी बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. फिलहाल वेट, मैं इस टाइम पर मेन हाईवे से क्यों जा रहा हूँ यार? अगर यहाँ से पुलिस वगैरह का आना जाना हुआ और उन्होंने भी हमें देख लिया तो भाई कसम से बैंड बच जाएगी. एक जगह हम दिखा रहे हैं मर गए हैं और दूसरी जगह आराम से मजे काट रहे हैं जिंदा, तो बहुत दिक्कत हो सकती है. इसलिए मेरे को वही रास्ते चूज करने हैं जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत कम है. और वैसे भी मैं इस बाइक पे हूँ, पूरा फेस दिख रहा है. लेफ्ट ने ना मेरे को छोटी सी कार दे रखी है, जो कि मैंने अपने घर पे पार्क करी हुई है, और अपना घर भी ज़्यादा दूर नहीं, यहीं पर पास में है. वहाँ पर चल के ना पहले गाड़ी उठाते हैं, उस गाड़ी में जाऊँगा मैं बार्बर शॉप पे, और वहाँ से फटाफट बियर्ड चेंज करवाएंगे और कपड़े खरीदूंगा कुछ, और फटाफट से निकलेंगे सीधा लॉस सैंटोस के लिए. लेट्स गो. तो मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ अपने घर पर, यहीं पर लगा देता हूँ अपनी इस गाड़ी को. और ये है देखो वो रेड वाली कार, छोटी सी, मतलब इतनी कॉमन और इतनी छोटी सी कार लेस्टर ने हमें इसलिए दी है ताकि लोगों को हमारे ऊपर बिल्कुल शक ना जाए. महंगी गाड़ी में घूमेंगे तो साफ पता चल जाएगा भाई माइकल है. वैसे वेट, ये कौन बदतमीज है, इसने हमारी गाड़ी का टायर ही पंचर कर दिया, वो भी दोनों. ये राइट वाला टायर भी पंचर कर दिया और ये फ्रंट लेफ्ट वाला टायर भी पंचर कर दिया. भाई ये क्या बदतमीजी है, अभी मेरे को फटाफट से इसे रिपेयर करवाने भी ले जाना पड़ेगा और मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है. ये अभी ना ढंग से, अभी पता क्या, अभी थोड़ी सी ना इसमें रबर है तो ये चल जाएगी, बट ज़्यादा देर तक ये नहीं चलने वाली. जो टायर हैं वो पूरे ख़राब हो जाएंगे. कोई दिक्कत नहीं भाई, इसको लेकर चलते पास में मैकेनिक शॉप. ले, मैं बोल ही रहा था कि दिक्कत आने वाली है, और जैसी रोड पर गाड़ी आई देखो ग्रिप ही ख़त्म हो गया भाई गाड़ी की. चलो कोई नहीं, मेरे को टेंशन नहीं है, रिपेयरिंग शॉप पास में ही. अरे ले, टायर ही ख़त्म हो गए और इस टाइम पे गाड़ी रिपेयर है यार, बैंड बजने वाली है भाई. इससे बढ़िया तो मैं कोई दूसरी कार ही ले लेता. बाकी ठीक है, हम लोग पहुंच चुके हैं. ये क्या हो रखा है,
भाई ये कुछ अलग ही टाइप का एक्सीडेंट देख रहा हूँ मैं, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी के ऊपर ही चढ़ गई। ठीक है भाई, इतनी भी खतरनाक व्हीकल मत लो यार कि दूसरी गाड़ी के ऊपर ही चढ़ा दो। फिलहाल हम लोग पहुँच गए हैं गैराज पे। भाई साहब ये देखो क्या हो गया मेरी गाड़ी को, इसको रिपेयर कर दो जल्दी से। ओह कितनी घटिया किस्मत है, गाड़ी अंदर भी नहीं जा पा रही है। लो लो सर जल्दी से इसे रिपेयर कर दो, मेरे को बस इसको नॉर्मल रिपेयर चाहिए। डन गाइस, तो भी मस्त एकदम गाड़ी भी रिपेयर हो चुकी है। फटाफट से चल के ना पहले मैं कुछ एटीएम से पैसे निकाल लेता हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ अपने लिए कपड़े भी खरीदने हैं, तो उसके लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। और साथ ही अभी बाबर शॉप पर भी जाना है, वहाँ के लिए भी पैसे मेरे को चाहिए ही रहेंगे। फिलहाल ये कोई आंटी जी इस टाइम पर पैसे निकाल ले एटीएम से। भाई जल्दी कर ले यार, मेरे पास ना ये यूज़ भी नहीं कर रही, खड़ी हो रखी उसके आगे बस। ओए हट जा तेरी भैंस की, तक निकल यहाँ से। यूज़ करना है तो यहाँ पर खड़े हो ना, बेमतलब कौन खड़े होता है। खैर ठीक है, मेरे को जो पैसे निकालने हैं फटाफट से मैं निकाल लेता हूँ, शायद $1,000 में अपना काम हो जाएगा। डन गाइस, तो मैंने $1,000 बैंक से निकाल लिए हैं। अभी फटाफट से हम लोग चलते हैं अपनी गाड़ी को लेकर बाबर शॉप पे। और उसके यहाँ पर एम्बुलेंस आ रही है, मैंने इस बंदे को मारा और किसी ने शायद से एम्बुलेंस को बता दिया है। है ठीक है ठीक है, मेरे को निकलना चाहिए, एम्बुलेंस जब तक आएगी तब तक तो मैं यहाँ से आराम से निकल भी जाऊँगा। फिलहाल हाँ बारबर शॉप ज़्यादा दूर नहीं है, पास में है, फटाफट से पहुँचते हैं हम लोग वहाँ पे। वेल तो अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और माइकल के फ्यूनरल का टाइम है 12 PM, यानी हमारे पास 3 से 4 घंटे हैं। हमें कुछ भी करके भाई लॉस एंजेलिस पहुँचना है, अपना सारा काम निपटा के। बाय द वे लेस्टर को नहीं पता कि हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं। फिलहाल यहीं कहीं पर थी उस बारबर की शॉप। ओ वेट ये रही, ठीक है यहीं पर अपनी गाड़ी को मैं साइड में पार्क लगा देता हूँ इसकी दुकान के। अरे अरे वापस 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 भाई पुलिस आ गई है, 2 मिनट रुक जाओ, इनको चले जाने दो, उसके बाद ही मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से। डन भाई, सही टाइम पर हम लोग अंदर हो गए, बाहर खड़े रहते तो कसम से बैंड बज जाते। फिलहाल यहाँ पर कोई, एक सेकेंड ये काटे की क्या बाल, वैसे ठीक है हमें बाल नहीं कटवाने। अरे जल्दी से बातें खत्म करो यार, मेरे पे टाइम नहीं है इतना ज्यादा, फेक बियर्ड लगवानी है और ज्यादा काम मेरे को कुछ करवाना है नहीं। डन, तो ये बंदा तो बाहर जा चुका है, अभी हम लोग फटाफट से चलते हैं। ओके मैं यहाँ पर सीट ले लेता हूँ, देखते हैं किस टाइप की बियर्ड सही लगने वाली है और ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार लुक चेंज हुई है। हेयर स्टाइल के भी ऑप्शंस हैं, बट ओह ये स्टाइल भी अच्छा है वैसे, मतलब पहचान नहीं पाएंगे लोग। बट नहीं यार मेरे को हेयर स्टाइल चेंज नहीं करना, माइकल की माफिया लुक ही ज़्यादा बेटर रहती है, तो ये बियर्ड करवा लेते हैं और देखते हैं कि आखिरकार फिर फील कैसी आने वाली है। यहाँ पर फेक बियर्ड आ चुके हैं अपने पास ये। वैसे गाइस देखो अभी ना मेरे को बिल्कुल भी ज़्यादा चेंजेस करवाने की जरूरत नहीं लग रही है, शायद से इतना कट हमारे लिए परफेक्ट है। इसके ऊपर जब शेड्स लग जाएगी, अपने मस्त मस्त चश्मे लग जाएंगे ना, तो फिर बिल्कुल हम लोग माइकल जैसे नहीं लगने वाले। हाँ वो एक बॉडी स्टाइल तो वही रहेगा, बट हाँ फेस से हमें कोई इतनी जल्दी नहीं पहचानने वाला। और वैसे भी कौन सा हम सबकी आंखों के आगे जाकर खड़े होने वाले हैं, हम सब कुछ छुप छुप के ही देखेंगे भाई। अगर हम लोग आंखों के आगे गए लोगों की, तो वो एट द एंड हमें पहचान जाएंगे, तो इसीलिए दूर दूर से सब कुछ मेरे को देखना है कि कौन कौन हमारे फ्यूनरल पे आने वाला है। मतलब मैं जानना चाहता हूँ किस किस को हमारी मतलब माइकल की डेथ का दुख है। मतलब माइकल की फैमिली आएगी, लेस्टर तो आएगा ही, और देखते हैं कौन कौन अपने फ्रेंड आने वाले हैं। ट्रेवर फ्रैंकलिन आते हैं या फिर नहीं। ओह भाई आराम से, ये तो भाई बिल्कुल, वैसे इनकी भी कोई गलती नहीं है, रेड लाइट थोड़ी देखेंगे बैठ के, बट ठीक है हमने अब गाड़ी गाड़ी अच्छी दिया यार लेस्टर ने, ब्रेक वगैरह बहुत मस्त है। फिलहाल हाँ बातों ही बातों में काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है, और मेरे हिसाब से अभी बस हमारे पास 3 ही घंटे बचे हैं। गाड़ी की स्पीड ठीक ठाक है, मैं पहुँच जाऊँगा टाइम से। वेल तो अभी अपना आधे से ज़्यादा रास्ता कवर हो चुका है लॉस एंजेलिस पहुँचने का, और मैं बातों ही बातों में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गया, और वो है नए क्लोथ्स बाय करना। मतलब मैं बीच पार्टी वाले कपड़ों में फ्यूनरल में जाने वाला हूँ। मैं सोच रहा था एक कोट पैंट परचेज कर लूँगा, वैसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आगे एक छोटा सा मार्केट है, हम लोग लॉस एंजेलिस में एंटर करने से पहले ही कपड़े ले लेंगे। ओ भाई आराम से, भाई साहब क्या हो गया यार, मतलब अगर मैं ड्राइविंग ना सुधारूँ मैं तो भिड़ते ही रहूँगा यार पूरे दिन, कैसे भी कर लेते हैं ये लोग। बाकी ठीक है, यही वाले मैं छोटे से मार्केट की बात कर रहा था, यहाँ पर सब अर्बन है। फटाफट से चलते हैं हम लोग वहाँ पर और एक बेसिक सा कोट पैंट परचेज कर लेता हूँ, यहाँ पर कर देते हैं गाड़ी पार्क, डन। जल्दी से चलते हैं अंदर, मतलब वैसे ब्लैक कोट पैंट रहेगा तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बढ़िया रहने वाला, और बिल्कुल माफिया लुक आएगी यार, एकदम बड़ी बड़ी बियर्ड्स, काला चश्मा। और अबे इतने भैंस की टांग अभी ज़्यादा सुबह सुबह मैं पहुँच गया हूँ, अभी शॉप खुली ही नहीं हुई है क्या यार मेरे को। चलो कोई नहीं, ये शायद से अपनी थोड़ी देर में खुलने ही वाली होगी, क्योंकि टाइम हो ही चुका है। मैं जब तक एक काम करता हूँ, टैटू शॉप में चल के कुछ टैटू वगैरह बनवा लेते हैं। ये भी बंद है,
छे यार मेरे को वेट करना पड़ेगा यहाँ पर थोड़ा सा। वेल, तो पूरे एक घंटे तक वेट करने के बाद फाइनली स्टोर ओपन हो चुका है और हम लोग अंदर चल के कपड़े परचेज कर सकते हैं। बाय द वे काफी वेट करना पड़ा बट कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ 11:30 बजे हैं और माइकल के फ्यूनरल का टाइम है 12 PM, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट ही लेट पहुंचेंगे। अभी बस मुझे फटाफट से एक बढ़िया सा ना ब्लैक कोट पैंट चूज करना है और यहाँ पर ट्रायल रूम नहीं है, सबसे घटिया बात तो ये है। ऑल डन, तो अभी मैंने ये मस्त ब्लैक कोट पैंट परचेज कर लिया है जो कि सचमुच में बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है और साथ ही ये ब्लैक शेड्स भी सचमुच में काफी ज्यादा मस्त है। फिलहाल इन सभी चीज की पेमेंट मैंने कर दिया है और फटाफट से हम लोग निकलते हैं उस चर्च के लिए जहां पर माइकल का फ्यूनरल होने वाला है। 11:42 हो चुके हैं, अगर अभी निकलेंगे तो टाइम पे पहुंच जाएंगे। यार सब कुछ ठीक है, इतने मस्त कपड़े पहन के इस गाड़ी में बैठने का बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा यार। सचमुच में ये बहुत चीप कार है बट हाँ, इस गाड़ी में फंक्शंस बहुत अच्छे हैं, बहुत कई चीज़ों में देखा जाए तो बहुत अच्छी गाड़ी भी है। लेट्स गो, फटाफट से निकलते हैं सीधा उस चर्च के लिए फुल स्पीड में, देखते हैं आखिरकार ये गाड़ी कितनी तेज चल सकती है। तो फाइनली गाइस मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुका हूं लॉस सैंटोस और यार सचमुच में मुझे ये देखकर बहुत ज्यादा बढ़िया फील आ रही है कि अब कहीं पर भी पुलिस की चेकिंग नहीं चल रही और साथ के साथ हर जगह से हमारे वांटेड के भी पोस्टर हट गए हैं। लेट्स गो, फिलहाल अभी मैं पहुंच चुका हूं उस चर्च पे जहां पे चल रहा है माइकल का फ्यूनरल। जल्दी से अपनी गाड़ी को अंदर लेकर चलते हैं बट वेट एक सेकेंड, यहाँ पर ये इतनी सारी पुलिस क्या कर रही है? तो पुलिस छोड़ो, यहाँ पर तो स्वैट भी आ रही है। मानता हूँ माइकल क्रिमिनल था बट यार अब तो वो मर चुका है, अब इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी की क्या जरूरत है। फिलहाल ठीक है, मैं अपनी गाड़ी को लेकर चलता हूँ यहीं पर, पार्क करते हैं। ये चर्च की पार्किंग है तो जितने बंदे आए हुए हैं उन सबकी भी गाड़ियाँ यहाँ लगी हुई। वेट भाई, यहाँ पर कोई भी सस्ती कार नहीं है, शायद माइकल के जितने भी रिश्तेदार हैं सचमुच में यार सारी बहुत ज़्यादा अमीर है। वैसे हाँ यार, अपना लिबर्टी वाला फ्रेंड हो गया, बिग माफिया हो गया। चलकर अंदर देखते हैं कौन कौन आया हुआ है। फिलहाल ये रोल्स रॉयस ब्लैक कलर के किसके हैं मुझे तो बस ये पता करना है। फिलहाल लैम्बोर्गिनी उस रेंज रोवर SVJ और भी आगे बहुत सारी बढ़िया बढ़िया कार्स है बट हाँ मुझे अंदर जाकर देखना है। बट अंदर जाने से पहले पता कर लेते हैं कि मुझे चेकिंग तो नहीं करवानी पड़ेगी। पता चला मेरी ये फेक बियर्ड निकाल कर ये लोग देख रहे हैं कि कौन हूँ मैं। डन, तो यहाँ पर मैं अपने बिनाकुलर्स निकालता हूँ और यहाँ पर तो एक नॉर्मल पुलिस खड़ी हुई, एक बाइक है बस और इधर दो कॉप्स हैं और एक मस्त सी कार है और ये है वो मेन व्हीकल जिसके अंदर माइकल का कॉफिन जाएगा, फेक माइकल का कॉफिन जाएगा। और ये सारे लोग हैं जो कि कॉफिन उठाकर लाने वाले हैं और ये माइकल की फैमिली कार है रेंज रोवर और ये है, ये शायद से स्वैट आ रखी है, मेरे को नहीं पता क्यों आ रखी है। माइकल मर चुका है फिर भी इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी आई है। मैं अंदर तो नहीं जा सकता इनके आगे से, मतलब अगर पहचान लिया तो ही दिक्कत होगी। मैं ट्राई करता हूँ पीछे से घूम के अंदर जाने का, पीछे वाला रास्ता बंद होगा बट मतलब इसी गेट से जाएंगे बट इनके आगे से नहीं एंट्री करूँगा, भाग कर आऊँगा मैं पीछे से। फटाफट से कर लेते हैं रोड क्रॉस, रेड लाइट हो रखी है, लेट्स गो। अब हम लोग अंदर चलने का ट्राई करते हैं, शायद से ये लोग मुझे ना देखें, मतलब ये लोग देख ले कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस या स्वैट में से किसी ने देखा ना तो ही प्रॉब्लम होने वाली है। फिलहाल अभी ना सचमुच में बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट है, मतलब इन लोग के लिए इमोशनल मोमेंट है, हमें तो पता है हम जिंदा है बट इन सबको लग रहा है कि इस टाइम पर माइकल जिंदा नहीं है और अब वो मर चुका है। तो यार अंदर सबके सब शायद रो रहे होंगे या फिर बहुत ज़्यादा उदास होंगे, हमें चल के ही पता चलने वाला है। फिलहाल अभी मैं अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। वेट, यहाँ पर मेरे को आगे जाना चाहिए या फिर नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को ये लोग पहचान नहीं, नहीं नहीं मेरे को आगे नहीं जाना चाहिए। ओ, ऊपर भी एक मस्त जगह है, यहाँ पर आसपास कहीं ना कहीं सीढ़ियाँ शायद राइट साइड में हैं, यहीं से ऊपर चलते हैं और ऊपर चलकर ही मैं चुपचाप छुप के देखता हूँ कौन कौन आया हुआ है। बस ऊपर ज़्यादा लोग ना हो तो बढ़िया रहेगा। फिलहाल यहाँ पर ये लेडी है जो कि शायद से बस पियानो बजा रही है तो मेरे को कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और कोई भी नहीं है इधर, तो मैं आराम से अपने बिनाकुलर्स निकालता हूँ और यहाँ से देखता हूँ कि आखिरकार कौन कौन आया हुआ है। तो यहाँ पर ये है और वेट, अपना लिबर्टी वाला फ्रेंड यहाँ पर खड़ा होकर हमारे बारे में, अपनी दोस्ती यारी के बारे में कुछ बातें बता रहा है। और यहाँ पर और कौन है, मेरे को कोई भी ऐसे जान पहचान का नजर नहीं आ रहा क्योंकि सबको मैं बैक साइड से देख रहा हूँ। काफी सारे तो अपने नेबर्स हैं बट वेट, ये ट्रेसी है, ये अमेंडा है और ये जिमी है। ये माइकल की फैमिली सबसे आगे बैठी हुई है, पीछे लेस्टर बैठा हुआ है एंड ये लमार बैठा हुआ है और भी काफी सारे लोग हैं जिन्हें मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। बाकी ठीक है, ये
ये कॉफिन पड़ा हुआ है जिसके अंदर ऑब्वियसली माइकल की नहीं किसी और की बॉडी है। सबने ला ला के फ्लावर्स रख दिए हैं, बट ठीक है मैं अपना छुप के खड़े रहता हूँ यहीं पर, थोड़ा बहुत देखते हैं कि आखिरकार क्या चल रहा है। उसके बाद जब ये लोग यहाँ से निकलेंगे तो हम भी साथ साथ निकलेंगे। यार वैसे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ना माइकल से सचमुच में बहुत सारे लोग नफरत करते थे, मतलब इतने सारे लोगों से दोस्ती आ रही थी, बट माइकल के फ्यूनरल पे सिर्फ और सिर्फ कुछ ही बंदे मिलने के लिए आए। मतलब ना ट्रेवर आया, ना फ्रैंकलिन आया, ना ही बिग माफिया का भाई आया, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सिम्योन, मतलब काफ़ी सारे लोग हैं जो कि यार माइकल के फ्यूनरल पे ही नहीं आए। तो कहीं ना कहीं शायद से वो माइकल को पसंद नहीं करते थे, बट ठीक है अभी हमें पता चल चुका है कि कौन बंदे ढंग के हैं, किन पे विश्वास किया जा सकता है और किस पे नहीं। फिलहाल अभी मैं पहली बार निकल कर आ गया क्योंकि मेरे को ना बिल्कुल ना वेट नहीं करना, पता चला वो अचानक से निकल रहे हैं, उनके पीछे पीछे मैं निकलूं और फिर कोई देख ले तो प्रॉब्लम हो जाए। अभी कोई भी गेट पे नहीं था इसलिए मैं चुपचाप से निकला, बात का कुछ पता नहीं, यहीं पर चल के बैठते हैं। जैसे ही सारे लोग बाहर निकलेंगे ना मैं अपनी गाड़ी उठाकर इनके पीछे पीछे निकल लूंगा। शायद से ये लोग ग्रेवयार्ड पे ही जाएंगे इसके बाद सीधा, और उस ग्रेवयार्ड पे मैं भी इनके साथ साथ चल लूंगा। बाकी ठीक है, यहीं पर खड़े होकर वेट करते हैं जब तक माइकल के कॉफिन को बाहर नहीं लेकर आया जाता। तो अभी फिलहाल सभी लोग चर्च से बाहर आ चुके हैं एंड सारी की सारी गाड़ियां रेडी कर दी गई है ग्रेवयार्ड ले जाने के लिए। माइकल की फैमिली व्हाइट वाली कार में बैठकर जाने वाली है, और आगे ब्लैक वाली कार में है माइकल की फेक बॉडी, और बाकी सारे जितने अपने फ्रेंड्स हैं वो पीछे वेट कर रहे हैं। पहले ये सारी गाड़ियां जाएंगी, उसके बाद वो लोग जाने वाले हैं इनके पीछे पीछे। फिलहाल पूरी सिक्योरिटी के साथ माइकल को ले जाया जा रहा है, सारी गाड़ियां बढ़ चुकी हैं पीछे। स्वैट वाली व्हीकल में भी भाई बहुत खतरनाक स्वैट आर्मी है, तो ये भी साथ साथ जा रही है। फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ कि ये लोग तो अपना जाते रहेंगे, थोड़ी देर में जितने भी बंदे हैं ना जो सारे यहाँ पर आए हुए थे वो अपनी गाड़ियाँ लेने यहाँ पर आएंगे, और अगर उन्होंने हमें देख लिया तो वो पक्का पहचान जाएंगे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग भी यहाँ पर टाइम से निकल लेते हैं अपनी गाड़ी उठाकर, ठीक है ना। तो वैसे पता भी एक सीन ये है कि माइकल को ले जाने के लिए ना इन्होंने कुछ टाइम के लिए इस एरिया को पूरा लॉकडाउन कर दिया है, देख रहे हो, मतलब आसपास दूर दूर तक कोई भी गाड़ी नज़र नहीं आ रही है, सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। तो मैं भी मेन रोड से नहीं जा सकता, मुझे अपनी गाड़ी एकदम घुमा के लानी पड़ेगी यार पीछे वाले रास्ते से, जो कि थोड़ा सा लॉन्ग कट है, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, जल्दी से चलते हैं और फिर फटाफट से पहुंचते हैं ग्रेवयार्ड के लिए। तो अभी मैं अपनी गाड़ी को पीछे वाले रास्ते से लेकर पहुंच चुका हूं लॉस सैंटोस के ग्रेवयार्ड पे। बाय द वे मैं ये सोच रहा था कि माइकल के मरने के बाद भी पुलिस ने इतनी सिक्योरिटी लगा रखी है, इसका मतलब यही है कि जब माइकल जिंदा था तो भी सचमुच में सिटी में बहुत ज्यादा डर था भाई उसका। तो अभी फटाफट से अपनी गाड़ी को यहाँ से राइट मोड़ते हैं, और ये मैं पहुंच गया हूँ ग्रेवयार्ड पे जहाँ पे होने वाला है माइकल का फ्यूनरल। बट एक सेकेंड, मैं अंदर कहाँ से जाऊँगा, यहाँ पर तो पुलिस ने रास्ता ही बंद कर दिया है, क्योंकि शायद से इधर बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स आ गए हैं और सेफ्टी मेंटेन करने के लिए पुलिस बाकी किसी लोग को अंदर नहीं जाने दे रही। मतलब जितने गेस्ट पहले पहुँच गए वही इस टाइम पर अंदर गए हैं, मैं थोड़ा लॉन्ग कट से आया, थोड़ा लेट हो गया, और अभी मेरे को अंदर जाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। बट एक सेकेंड, यहाँ पर मेन गेट तो इन लोगों ने बंद ही नहीं करा, अपनी गाड़ी को यहीं से फटाफट अंदर लेकर चलते हैं भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पीछे से एक रास्ता हो रहा है जहाँ से मैं डायरेक्ट अंदर जा सकता हूँ, चुपचाप से अपनी गाड़ी को ना यहाँ से निकाल लेता हूँ। भाई साहब बहुत सारे लोग आए हुए हैं माइकल से मिलने, मुझे लग रहा था कि ज़्यादा लोग नहीं है, बट नहीं, यहाँ पर जितनी सारी गाड़ियाँ हैं ना ये सारी शायद माइकल से ही मिलने के लिए आए हैं, इसमें जितने लोग आए हैं। फिलहाल ये है वो गाड़ी जिसके अंदर माइकल के फेक कॉफिन को लाया गया है, और ये सब कुछ लेस्टर मैनेज कर रहा है, मतलब ये जितना भी फेक प्रोसेस चल रहा है माइकल के मरने का ये सब कुछ लेस्टर हैंडल कर रहा है। बाकी यार देखो मेरे को ना सचमुच में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा यार, ऐसा छुप छुप के घूमना, बिल्कुल एकदम परेशान सी जिंदगी हो चुकी है। फिलहाल वो देखो वहाँ पर शायद सारे के सारे लोग खड़े हैं, ये हाँ ये वेट, मेरे को ना उधर तो जाना ही है, मैं यहाँ से भाग के चलता हूँ, इस तरफ से आराम से खड़े होकर देखेंगे कि आखिरकार कौन कौन लोग आए हैं। मेरे को प्रॉपर पता करना है कि कौन कौन लोग सचमुच में माइकल को पसंद करते थे और कौन कौन नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर फटाफट मैं कवर ले लेता हूँ, अभी शायद से मेरे को कोई भी दूर दूर से नहीं देख पाएगा, बस कोई पहचाने ना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो अभी फटाफट से हम लोग अपने बिनाकुलर्स निकालते हैं और सामने की तरफ जूम मार कर देखते हैं कि आखिरकार ओह तो यही है वो सारे के सारे माइकल के फैमिली मेम्बर्स, ये है माइकल की फैमिली एंड ये जिमी, उधर लेस्टर है और इधर अपना ये लिबर्टी वाला फ्रेंड है। भाई सबसे ज़्यादा उदास मेरे को यही बंदा लग रहा है, बाकी पीछे लमार भी यहाँ पर है, डेव है, ओ सोलोमन भी यहाँ पर आया हुआ है, और भी काफ़ी सारे अपने अगल बगल के रिलेटिव्स, एल रूबियो भी आया है। वेट, मैं इसको दुश्मन मानता था लेकिन यार सचमुच में इसको माइकल की डेथ का भाई दुख है यार, कसम से बिग माफिया का भाई, इसका तो चलो आना बनता ही था आखिरकार, ये तो अपना अच्छा खासा दोस्त था ये। बट हाँ अभी मेरे को काफ़ी सारे जो अपने फ्रेंड्स हैं वो नहीं नज़र आ रहे, बट ठीक है
बहुत सारे लोग आए हैं और अभी कुछ ही देर में जो प्रोसेस है चलेगा एंड फिर सारे लोग अपना घर निकल जाएंगे और क्या। बाकी यार मैं ना सच में अभी मेरे को ऐसे छुपे रहने का और इधर उधर छुप के घूमने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। लेस्टर आराम से वही खड़ा हुआ है पीछे। यार अभी ना मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। मतलब पुलिस से तो हमने पीछा छुड़ा लिया है बट यार अपनी लाइफ सचमुच में बहुत ज़्यादा बोरिंग हो चुकी है ना। हम लोग अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स से मिल सकते हैं ना, अपने घर वापस जा सकते हैं, अपने शोरूम भी वापस नहीं जा सकते। पहले कितना सही था ना, आराम से इस शहर में मस्त एकदम गाड़ियाँ चलाते रहते थे आराम से। बट अब ये सब नहीं हो सकता। कहीं पर भी अगर हम लोग पकड़े गए तो सीधा पुलिस हमें जेल ले जाएगी और ये हमारी नकली दाढ़ी निकालेगी और फिर सचमुच में बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इस चीज़ का पक्का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होगा लेस्टर के पास। बट लेस्टर ने हमें खुद बोला है कि हमें कम से कम एक महीने तक तो अपने शहर ही वापस नहीं आना, और अगर उसके बाद भी आना है तो हमेशा मुँह छुपा के घूमना है, सबसे दूर ही भागना है, किसी के आंखों के आगे नहीं जाना वरना वो हमें पहचान जाएगा। और ये सचमुच में बहुत ज़्यादा बोरिंग लाइफ है। मैं एक बार ही ना लेस्टर को ऊपर ही बुलाता हूँ, यहाँ पर ऊपर एक सीक्रेट प्लेस है, वहीं पर कॉल करके उसे बुलाता हूँ, उससे थोड़े से बात करते हैं, देखते हैं आखिरकार क्या सीन है। कुछ ना कुछ तरीका तो ज़रूर होगा यार हमारा इस चीज़ से बचने का। मतलब या तो हम लोग अपना पूरा फेस ही चेंज करवा ले, बट हाँ यार उसके बाद भी सब लोग के लिए तो हम मर ही चुके हैं, तो सीधी सी बात है कोई ना कोई बढ़िया सॉल्यूशन हमें ढूंढना होगा इन सब चीज़ से बाहर निकलने का, और वो काम बस लेस्टर ही कर सकता है। तो मैं अपना फ़ोन निकाल लेता हूँ, फटाफट से ना लेस्टर को कॉल करते हैं और जल्दी से उसको मैं मिलने के लिए यहाँ पर ऊपर बुलाता हूँ। ये बहुत ज़्यादा बढ़िया जगह है, मेरे को लग रहा था यहाँ पर कोई नहीं होगा बट इधर दो तीन लोग हैं। कोई नहीं, मैं उधर फेस करके खड़े हो जाता हूँ, फिर बात कर लेंगे लेस्टर से। ओके, तो अभी मेरी फ़िलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और वो पहली बात तो सुनते ही हैरान हो गया कि आखिरकार हम लोग लॉस सैंटोस में कर क्या रहे हैं। बट हाँ ठीक है, अभी उसने पता लग गया उसको कि हम लोग लॉस सैंटोस में, बस वो थोड़ी देर में ऊपर आ रहा है, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार क्या सीन करना है। ऑल राइट गाइस, तो अभी मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि अब सब कुछ पहले जैसा करना बहुत मुश्किल है, यानी हमें लाइफ टाइम इस तरीके से सब लोग से छुप के घूमना पड़ेगा। बट एक बंदा है जो कि हमारा काम कर सकता है, मतलब वो कोर्ट में हमें बेगुनाह साबित करा देगा, तो फिर हम लोग आराम से पहले जैसी चैन की ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन उस बंदे से मिलने के लिए हमें जाना पड़ेगा लिबर्टी सिटी, और लिबर्टी सिटी यहाँ से बहुत दूर है, और वहाँ पर भी जाकर वो बंदा हमें मिले या ना मिले, वो हमारे लिए काम करे या ना करे, वो वहीं पर जाकर पता चलेगा। फिलहाल लेस्टर ने हमें उसका एड्रेस दे दिया है और इसने बोला था आराम से जाना, बट यार देखो मेरे से ना बिल्कुल वेट नहीं हो रहा, मैं अभी के अभी लिबर्टी जाने वाला हूँ। सीधी सी बात है यार, यहाँ पर घूम सकते नहीं है चैन से, तो मैं फटाफट से निकल रहा हूँ सीधा लिबर्टी के लिए। वहाँ पर चलकर देखते हैं कि आखिरकार क्या सीन है, क्या वो बंदा हमारे लिए काम करता है या फिर नहीं करता। मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेगा, जितने पैसे लेगा भाई सारे पैसे दे देंगे, बट अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। जितने पैसे थे वो सारे हमारे घर में थे और घर पर कब्जा कर लिया ट्रेवर फ्रैंकलिन ने। भाई इतने घटिया लोग हैं, वो हमसे मिलने तक नहीं आए भाई हमारे फ्यूनरल में। मतलब एक पुराना दोस्त मर चुका है, बट यार वो दोनों लोग नहीं आए, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देख लेंगे यार इन लोग को भी हम लोग बाद में। फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं सीधा लिबर्टी सिटी के लिए, लेट्स गो। तो मैं भागता भागता आ चुका हूँ फटाफट से पार्किंग में, जल्दी से चलकर बैठते हैं अपनी गाड़ी में और निकलते हैं सीधा लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। बाय द वे मेरे अगल बगल इतनी सारी महंगी महंगी कार्स खड़ी है, बट फिर भी मैं छोटी सी कार्स में ही जा रहा हूँ क्योंकि मैं इन गाड़ियों को चुरा नहीं सकता यार, अपने ही दोस्तों की गाड़ी है, एक तो मेरे से मिलने आए हैं और ऊपर से मैं उनकी गाड़ियाँ चुरा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगा। फिलहाल यहाँ से मेरे को निकालनी है साइड से अपनी गाड़ी को। अरे अरे अरे, ये बंदा जब भी इसके बगल से निकालता हूँ चिल्लाता है खड़े होके, हाई कहीं और बैठ के कार ठीक कर ले, वैसे गलती उसकी भी नहीं है, वो ये जगह ही यार गाड़ी निकालने के लिए थोड़ी है। बाकी हाँ मेरे को अभी ना कोई नॉर्मल फ्लाइट ही पकड़नी पड़ेगी, माइकल का जो प्राइवेट जेट है वो ख़राब हो चुका है भाई, मेंटेनेंस करवानी पड़ती है और हमारे पास पैसा नहीं था, तो अभी हमें एक नॉर्मल फ्लाइट करके ही जाना होगा। अरे भाई क्या कर रहा है यार, ऐसी इतनी छोटी सी गाड़ी है उसमें भी इतनी बड़ी गाड़ी लाके ठोक दी, भाई चूरा हो जाएगी ये। ऑल राइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुका हूँ लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जहाँ से मैं लिबर्टी सिटी की फ्लाइट मिलने वाली है। बट वेट, आज तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, यानी हमें लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ सकता है टिकट के लिए। फिलहाल अभी अपनी गाड़ी को यहीं पर पार्क करते हैं, सामने पार्किंग तो बनी है बट मुझे इस गाड़ी की कोई परवाह नहीं, कोई भी उठा कर ले जाओ। और उस बंदे को देखो भाई, शायद इसकी फ्लाइट मिस होने वाली है या फिर ये लेट हो गया है। बाकी हाँ लेट हम भी हो रहे हैं, मतलब मैं लेट नहीं हो रहा, मुझे जल्दबाजी है, मेरे को जल्दी से लिबर्टी पहुँचना है, उस बंदे से मिलना है और पता करना है कि वो हमें बचा सकता है या फिर नहीं। फिलहाल टिकट्स वगैरह तो देखनी पड़ेगी किस साइड मिल रही है, क्योंकि मैं भी इस एयरपोर्ट में बहुत
कम आया हूँ, बाकी भीड़ काफी ज्यादा लग रही है मुझे सचमुच में। सामने 3-4 लंबी लंबी लाइंस लगी हुई है, सबसे कम लोग इसमें 2 लोग हैं, इसमें तो भाई अलग ही 4 लोग लगे हुए हैं, और ये बंदा अलग को वेट भैंस की टांगी बंद। मैं यही सोच रहा था लगने की, बट ये आके लग गया, मैं खाली वाली लाइन में लग जाता हूँ। इधर 3 ही लोग हैं तो यहाँ पर आकर लग जाते हैं। ठीक है भाई, यार इस लाइन में खड़े खड़े इतनी देर हो गई है, बट ये लाइन आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है। इस तरीके से सचमुच में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। बट वेट, वाली लाइन एकदम खाली हो गई, एक ही बंदा था उसमें और वो भी निकल कर चला गया। और इसको देखना, मैं इसके भर दूंगा इसको ज्यादा जल्दबाजी। हट बे, पहले मैं टिकट लूंगा ऐसी की तैसी। ऑल डन, तो अभी मैंने लिबर्टी सिटी के लिए टिकट परचेज कर लिया है, फटाफट से भाग के चलते हैं वेटिंग एरिया में। वैसे भागने की जरूरत नहीं है, अपनी फ्लाइट आधे घंटे बाद है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह कर लूँ या फिर कुछ और मस्त कपड़े ले लूं। पॉइंट नहीं यार, माफिया लोग किसी कपड़ों में आ रही है और जिस बंदे से मिलने जा रहे हैं शायद से वो भी कोई डॉन वगैरह है। और इसको भाई सच में अलग ही जल्दी मची हुई है, पता नहीं कहाँ उधर से भी भागता हुआ आया, फिर टिकट भी इसको मेरे से पहले चाहिए थी। बट अभी चेकिंग वगैरह अपनी करा रहा है, मैं भी चेकिंग करवा कर चल के बैठता हूँ वेटिंग एरिया में। अपने पास कोई सामान वगैरह है नहीं तो मैं ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, मस्त एरिया है, यहीं पर अपना बैठते हैं और जब आधा घंटा हो जाएगा तब हम लोग चलेंगे प्लेन में। ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैं आकर बैठ चुका हूँ अपने प्लेन में और ये फ्लाइट टेक ऑफ करके निकल रही है लिबर्टी सिटी के लिए। और काफी टाइम बाद मैं इस बड़ी वाली फ्लाइट में आकर बैठा हूँ, मतलब इससे पहले हम लोग अपना प्राइवेट जेट यूज करते थे लिबर्टी जाने के लिए। बट फाइनली हमारा प्लेन टेक ऑफ हो चुका है, जल्दी से पहुंचते हैं लिबर्टी। ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल अपना प्लेन पहुंच चुका है लिबर्टी सिटी के एयरपोर्ट पे एंड लैंड करने वाला है सामने एयरलाइन पे। बाय द वे, जिस बंदे से हम लोग मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं उसने हमारे लिए एक गाड़ी भिजवा दी है बाहर एयरपोर्ट के, तो मैं बस जाकर गाड़ी में बैठना है एंड हम लोग उसके फिर बिल्डिंग घर जो भी है उसका यहाँ पर वहाँ जाने वाले हैं और फिर देखते हैं आखिरकार क्या सीन होता है। फिलहाल प्लेन आकर लैंड कर चुका है, जल्दी से उतरते हैं और एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। ऑलराइट, तो अभी फिलहाल मैं बाहर आ चुका हूँ एयरपोर्ट के, फटाफट से चलते हैं सामने पिकअप एरिया पे जहाँ पर उस बंदे ने मुझे लेने के लिए एक गाड़ी भेजी है जिसका नंबर है N895। बट यहाँ पर तो मुझे कोई भी गाड़ी पार्क हुई हुई नहीं नजर आ रही। वेट, एक ब्लैक कलर की कार आकर रुकी तो है, एक बार इसका नंबर चेक कर लेता हूँ, अगर यही हुई तो भाई सच में वो बंदा, वेट यही है N895। उस बंदे ने मुझे लेने के लिए एक रॉयल कार भेजी है, लेट्स गो भाई। मेरे को सचमुच में वो बहुत ज्यादा अमीर बंदा लग रहा है। गेट भी ऑटोमेटिकली क्लोज हुए हैं भाई इस कार के, डन, फटाफट से पहुंचते हैं। वैसे गाइस इस टाइम पर लिबर्टी सिटी में कितना ज्यादा खतरनाक वेदर हो रहा है, मतलब फुल स्नो वाला मौसम हो रहा है और शायद से हल्की हल्की स्नो फॉल ही हो रही है। फिलहाल ये बंदा मुझे पता नहीं कहाँ पर लेकर जाना चाह रहा है, पहले ये मेन हाईवे पे था और अभी ये मेरे को स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास लेकर आ चुका है। और यहाँ पर ये एक हेलीकॉप्टर है, क्या अब हम लोग हेलीकॉप्टर के थ्रू आगे जाने वाले हैं? यस, तो भी फटाफट हम लोग अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं। इसने मेरे को यहीं पर ड्रॉप करा है और सामने खड़ा हुआ है वो बॉडीगार्ड। वही मैं सोचूं यार, उस बंदे ने हमें लेने के लिए तो एक बहुत मस्त गाड़ी भेजी, बट बंदा एक नॉर्मल सा भेज दिया, मतलब जिसको मैं मार के आराम से कुछ भी कर सकूं, बट ये है असली सिक्योरिटी गार्ड। फिलहाल अभी इसके साथ हेलीकॉप्टर में बैठ कर चलते हैं उस बिल्डिंग तक। मैं सही था, वो बंदा सचमुच में बहुत ज़्यादा ही अमीर है। लेट्स गो, जल्दी से पहुँचते हैं उसके घर पर और फिर चल के उससे बात करते हैं। समझ नहीं आ रहा आखिर कब पहुंचेंगे, पहले फ्लाइट से यहाँ आए, फिर गाड़ी से यहाँ पहुंचे, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, बट यार इस बार शायद फाइनली उससे मिल लेंगे। लेट्स गो, तो अभी फिलहाल लिबर्टी के मस्त नजारे एंजॉय करते हुए हम लोग पहुंचने वाले हैं उस बंदे के पेंट हाउस पे। मुझे बिल्कुल नहीं विश्वास हो रहा, मुझे लग रहा था कि किसी घर पर जाने वाले हैं या किसी बहुत लग्जरी प्लेस पे जाने वाले हैं, बट उस बंदे ने अपने पेंट हाउस अपनी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे हमें मिलने के लिए बुलाया है और ये हेलीकॉप्टर डायरेक्ट वहीं पर लैंड होगा, हमें कहीं पर भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। लेट्स गो, तो अभी फिलहाल अपना हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है इस हेलीपैड पे। फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग हेलीकॉप्टर से बाहर निकलते हैं और चलते हैं उस बंदे से मिलने के लिए। फिलहाल मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ना यहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, आखिरकार वो यार लिबर्टी का बहुत अमीर बंदा है, इतनी ज्यादा बड़ी बिल्डिंग उसके पास है, इतना लग्जरी पेंट हाउस, क्या मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से। बाकी ठीक है, चलते हैं फटाफट से उसके पास और देखते हैं कि आखिरकार वो बंदा कौन है। वैसे वेट, ये ब्लू वाली रोल्स रॉयस सेम हमारे पास भी थी ना, मतलब काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद से वही वाली कार है। फिलहाल ये वो बंदा, फटाफट से चल के हम लोग इससे बात करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी मेरी फिलहाल इससे बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि हमें शायद से घर के अंदर चल के बात करनी चाहिए। लेट्स गो, इसी बहाने हमें इसके घर के अंदर जाने का भी मस्त मौका मिल गया। बाय द वे, इसका घर काफी ज्यादा लग्जरी लग रहा है, चलकर अंदर से देखते हैं आखिर इसने कैसा बना रखा है। बाकी हाँ यार, इस टाइम ना मेरे को इसको पूरी की पूरी कहानी बतानी पड़ेगी शुरू से लेकर
एंड तक कि हमने एक न्यूज रिपोर्टर को मारा था, फिर उसके बाद पुलिस हमारे पीछे पड़ गई, हमने फेक डेथ करी, सब कुछ, क्योंकि ये शायद से मेरे को एक लॉयर लग रहा है, वो शायद से कोर्ट में हमें बेगुनाह साबित करके हमें बचा ले। ओके, तो भी फिलहाल मैंने यहाँ पर बैठ के इसको पूरी की पूरी स्टोरी बता दी है और मुझे अच्छे से मालूम था कि ये बंदा इतनी ईजिली हमारे लिए काम नहीं करने वाला। मतलब ये कह तो रहा है कि हमें बेगुनाह साबित करा देगा, सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देगा, बट हमें भी इसके लिए काम करना होगा। फिलहाल अभी मुझे निकलना होगा लॉस सैंटोस के लिए, क्योंकि इसने जो हमें काम दिया है वो लॉस सैंटोस चलकर ही होने वाला है। मतलब वो कोई सिंपल या कोई छोटा मोटा काम नहीं है, वो सचमुच में बहुत ज्यादा हार्ड और बहुत रिस्की काम है। मतलब यार, पैसिफिक बैंक में कोई बहुत ज़्यादा रेयर पेंटिंग है, ये कह रहा है कि अगर तुम मुझे वो चुरा के लाकर दे दोगे तो मैं तुम्हें कोर्ट में बेगुनाह साबित कर दूंगा किसी भी कीमत पे, और हमारी लाइफ पहले जैसी नॉर्मल हो जाएगी। फिलहाल अभी वेट एक सेकेंड, अच्छी बात तो ये है कि मेरे को अभी ना वापस एयरपोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका बॉडी गार्ड हमें लॉस सैंटोस छोड़ने के लिए चल रहा है, और अगर अपना काम पूरा हो जाता है तो यही हमें लेकर वापस भी आने वाला है। बट पैसिफिक बैंक में चोरी करना इतना भी ईजी नहीं है, वहाँ की सिक्योरिटी पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है जब से उसमें एक दो बारी पहले चोरी हुई है। बट अभी वहीं पर चलकर पता चलने वाला है कि आखिरकार सीन क्या है। लेस्टर हमारी हेल्प कर सकता है इस काम में, बट एक चोरी दोबारा से, या तो अब इस चोरी के बाद माइकल बच ही जाएगा अगर चोरी सक्सेसफुल हुई तो, बट अगर चोरी अनसक्सेसफुल होती है, हम लोग पकड़े जाते हैं, तो माइकल का गेम ओवर होना पक्का है। बट हाँ, लेस्टर हमारे साथ है, उसका मास्टरमाइंड प्लान कभी फेल नहीं होता, तो शायद इस बार भी नहीं होना चाहिए। फटाफट से निकलते हैं लॉस सैंटोस के लिए। बाकी एक बार आप लोग चारों तरफ नज़ारे देखो यार लिबर्टी के, मतलब जब भी स्नो का टाइम होता भाई, लिबर्टी की अलग ही फील रहती है। उधर मौसम अलग हो रखा है और यहाँ पर अलग ही मौसम है। लेट्स गो। तो अभी फिलहाल हम लोग अपना हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच चुके हैं लॉस सैंटोस, और डायरेक्ट ये हेलीकॉप्टर हमने लाके लैंड करा दिया है लेस्टर के ऊपर वाली बिल्डिंग में। और ये पायलट सचमुच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इतनी छोटी सी बिल्डिंग पे ही भाई इसने इतना बड़ा हेलीकॉप्टर इजीली लैंड करवा दिया है। फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं लेस्टर के पास और उसको पूरे प्लान के बारे में बताते हैं। मतलब प्लान तो खैर वही बताएगा, बट जो उस बंदे की डिमांड है वो हमें लेस्टर को बतानी होगी कि हमें पैसिफिक बैंक में हाइस्ट करनी है, तभी वो हमारी हेल्प करने वाला है। बाकी इतनी अजीब अजीब जगह आने का रीज़न यही है कि भाई देखो, सीधी सी बात है, हमें किसी की नज़रों में नहीं आना, छुप के रहना। ये लॉस सैंटोस है, वो लिबर्टी सिटी थी, वहाँ पर हमें लोग इतना नहीं जानते, बट यहाँ हर कोई जानता है, किसी ने भी जिंदा देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिलहाल अभी जल्दी से भाग के चलते हैं अंदर, बस कहीं ऐसा ना हो कि लेस्टर यहाँ पर हो ही ना, फिर तो भाई उसे ढूंढना पड़ जाएगा। और बाकी शायद से अभी ना मेरे को अपना फ़ोन एंड जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं सबको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी को पता चलता है हम फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, तो पता चल जाएगा हम लोग जिंदा है। बाकी ये लेस्टर यहाँ पर अपना सो रहा है भाई, बेचारा रात भर अपना काम करते रहता है और दिन में मस्ती से सो रहा है, जगाते हैं इसको। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल मैंने लेस्टर को उठा दिया है और साथ ही मैंने इसको ये भी बता दिया है कि उस बंदे ने हमें पैसिफिक बैंक में चोरी करने के लिए बोला है, और लेस्टर कह रहा है कि ये काम सचमुच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है और इसको इसकी प्लानिंग बनाने में थोड़ा बहुत टाइम चाहिए। इसने मेरे से 3 से 4 घंटे का ये टाइम मांगा है वैसे। बाकी हाँ, हम लोग भी लास्ट नाइट से सो ही नहीं, लिबर्टी गए थे रात में, पूरा ट्रैवलिंग में निकल गया, अभी थोड़ा बहुत टाइम है जब तक लेस्टर प्लान बना रहा है, हम लोग थोड़ी देर सो जाते हैं। ओके गाइस, तो अभी फिलहाल हमें यहाँ पर सोते सोते काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है और फाइनली अब मैं सोकर उठ चुका हूँ। फटाफट से देखते हैं कि आखिरकार क्या प्लानिंग चल रही है। लेस्टर और लेस्टर के फ्रेंड यहाँ पर दोनों लोग एक रिमोट कंट्रोल कार में लगे हुए हैं। वेट, यहाँ पर ये इस रिमोट कंट्रोल कार को कुछ तो मॉडिफाई कर रही है इसमें वेल्डिंग करके, और लेस्टर कोई छोटी सी रिमोट कंट्रोल कार चला रहा है। भाई मुझे नहीं मालूम कि आखिरकार इनकी क्या प्लानिंग, भाई मेरे पैर पे मत चढ़ा दियो। पता करते हैं लेस्टर से भाई, उसने बैठ के काफ़ी सारी प्लानिंग शायद अब तक कर ली होगी। भाई क्या मस्त कार बनाई है इसने वाली। वेल, तो भी फिलहाल लेस्टर कह रहा है कि ये जो हाइस्ट का प्लान है ये सिर्फ और सिर्फ अभी 20% तक ही कंप्लीट हो पाया है। मतलब अभी हमें कोई आइडिया नहीं है कि आखिरकार पैसिफिक बैंक में किस लेवल की सिक्योरिटी है, तो पहले हमें वो पता करने के लिए वहां पर जाना होगा, जिसके लिए लेस्टर ने ये रिमोट कंट्रोल कार बनाई है। मतलब उस कार के अंदर कोई तो बहुत खतरनाक सा कैमरा है जो कि सारी चीज़ों को स्कैन कर सकता है अगर वहां पर कोई भी हाई सिक्योरिटी हुई तो। फिलहाल अभी लेस्टर मुझे यहां से बाहर चलने के लिए बोला, एक गाड़ी खड़ी कर रही है, उस गाड़ी में हम दोनों लोग बैठ कर जाने वाले हैं पैसिफिक बैंक के लिए, और मैं बैंक के अंदर नहीं जाऊंगा, बैंक के अंदर सिर्फ लेस्टर जाएगा, और मेरी तरफ से जाएगी वो रिमोट कंट्रोल कार जिसको मैं गाड़ी में बैठकर कंट्रोल करने वाला हूं, और लेस्टर ट्राई करेगा उस गाड़ी को छुपा के रखने का। फिलहाल यही है वो ग्रीन कार, भाई काफी ज्यादा बढ़िया कार है यार लेस्टर के पास, ये नई वाली। फिलहाल लेस्टर भी यहां पर वो बॉक्स लेकर आ रहा है जिसके अंदर हमने वो रिमोट कंट्रोल कार छुपा रखी है। जल्दी से बैठते हैं, फटाफट से निकलते हैं पैसिफिक बैंक के लिए। भाई मुझे कोई आइडिया नहीं कि आखिरकार ये हाइस्ट कैसी होने वाली है,
तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, लेस्टर अपना यहाँ पर आकर बैठ जाएगा एंड बॉक्स को हमें रखना है पहले ट्रंक में। तो अभी फटाफट से अपनी गाड़ी का ट्रंक ओपन कर देते हैं ताकि लेस्टर इस बॉक्स को रखकर आ जाए अपने साथ बैठने के लिए। और भाई गाड़ी सचमुच में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है, जल्दी से इसको लेकर चलते हैं पैसिफिक बैंक के लिए। और ट्रंक खुला ही रहेगा, ट्रंक बंद हो गया। ऑल राइट, तो अभी फिलहाल ये मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंचने वाला हूँ पैसिफिक बैंक के लिए। वैसे ये जो बैंक है अपने घर से ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही। और ये देखो भाई कैसा सा रोड है, इतना ट्रैफिक रहता है और बंदे कहीं पर भी गाड़ी अपनी रोक के रखते हैं। बाकी ठीक है, मैं इस बैंक में पहुंच चुका हूँ। ये जो आप सामने बड़ी सी बिल्डिंग देख पा रहे हो ना, आज इसी बिल्डिंग के अंदर हम लोग चोरी करने के लिए आने वाले हैं, बट इस टाइम पर नहीं। और भाई कसम से लॉस एंटोस में बहुत ज्यादा खतरनाक रेसर्स भी आ गए हैं, तो गाड़ी ऐसे बीच में नहीं रोकनी चाहिए। फिलहाल देखो एंट्री तो ये पीछे वाला जो गेट है ना यही है, बट हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि लेस्टर ने हमें बोला है कि सबसे पहले हमें सारे के सारे सीसीटीवी कैमरास चेक करने हैं, कहीं से भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने ही चोरी करी है। और ये सेकंड गेट है, यहाँ से भी नहीं जा सकते। पीछे वाली गली में लेकर चलता हूँ, वहीं पर कोई ना कोई एंट्रेंस है। बाकी रिमोट कंट्रोल कार अंदर भेजनी है ये पता करने के लिए कि आखिरकार किस लेवल की यहाँ पर सिक्योरिटी है। मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कुछ ऐसी सिक्योरिटी हो सकती है जो कि हमें नज़र नहीं आ रही, बट वो वहाँ पर है। फिलहाल ये मस्त गली है, अपनी गाड़ी को मैं छुपा कर यहीं पे पार्क कर देता हूँ क्योंकि मेरे को बैंक के पास ही रहना है। हम लोग रिमोट कंट्रोल कार चलाने वाले हैं, लेस्टर उतर के जाएगा बैंक के अंदर और हम लोग यहीं पर गाड़ी में बैठ के उस रिमोट कंट्रोल कार को कंट्रोल करने वाले हैं। फिलहाल अभी लेस्टर चला गया है, मैं इस बॉक्स से गाड़ी को निकाल के इसके पीछे पीछे भेज देता हूँ। ऑल राइट, तो अभी फिलहाल मैंने अपनी आरसी कार को अपनी गाड़ी से बाहर निकाल लिया है। फटाफट से इसको लेकर चलते हैं गली से बाहर क्योंकि वहां पे लेस्टर हमारा वेट कर रहा है। बाय द वे इस गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा है और ये सच में बहुत अच्छी कार है। तो ये रहा लेस्टर, जल्दी से इसके साथ हम लोग चलते हैं बैंक में। बाकी यार हमें ना अपनी गाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा लेस्टर के पीछे छुपा के रखना है, किसी भी सिक्योरिटी गार्ड की नज़र में नहीं आना। और अगर हम लोग पकड़े जाते भी हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेस्टर ने इसके अंदर एक बॉम्ब फिट कर दिया है। हम लोग इस बॉम्ब को ब्लास्ट करके गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ओ भाई बच्चा है क्या, गाड़ी दिखी नहीं, उसके ऊपर चढ़ के खेलने लग गया। बाकी ठीक है, गेट ओपन करते हैं, अंदर चलते हैं, लेट्स गो। तो अभी फिलहाल मैं अपनी आरसी कार लेकर आ चुका हूँ पैसिफिक बैंक के अंदर। मुझे लेस्टर के पीछे पीछे जाना है, बट वेट अभी नहीं, जब हमें लेस्टर इशारा करेगा हम तब उसके पीछे अपनी आरसी कार को लेकर जाएंगे। अच्छी बात तो ये है कि गेट पे कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। लेस्टर इस टाइम फोन चलाने की एक्टिंग कर रहा है, बट वो असलियत में पूरा का पूरा एरिया देख रहा है कि यहाँ पर कोई है या फिर नहीं। वैसे मेरे को ज़्यादा भीड़, वेट, मैं ज़्यादा भीड़ की बात कर रहा था, यहाँ पर तो लाइनें लगी पड़ी है पूरे बैंक में। कसम से यार लॉस एंटोस में बहुत ज़्यादा ही बंदे जिन्हें पैसे निकलवाने की ज़रूरत है। फिलहाल यहाँ पर है सीसीटीवी इन कॉन्स्टेंट ऑपरेशन। वेट, डराने के लिए लिखा नहीं, पीछे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है बट वो थोड़ा फ्रंट की तरफ देख रहा है बस गेट पे, तो शायद से हमारी कार बहुत नीचे है, ये कैमरे में नहीं आई होगी। बाकी यहाँ लेस्टर इस टाइम पर शायद से पूरा एरिया एक्सप्लोर कर चुका है, हमें इसके पीछे पीछे छुप के चलना है ताकि सबका ध्यान लेस्टर के पास रहे और किसी का भी ध्यान इस रिमोट कंट्रोल कार पे ना आए। बस वेट, अभी मेरे को अपनी गाड़ी को ना यहाँ पर सोफे के पास छुपा लेना चाहिए और फटाफट से मुझे अपनी स्कैनिंग मोड में जाना है ताकि मैं सारी सिक्योरिटी को स्कैन कर सकूँ इस कैमरे के थ्रू। तो अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ इस गाड़ी के स्कैनिंग मोड में और सामने की तरफ में आप लोग खुद ही देख पा रहे हो भाई काफ़ी सारी लेजर्स लगी हुई हैं जो कि हमें नॉर्मल अपनी आई से नहीं नज़र आ रही थी, बट लेस्टर के इस डिवाइस के थ्रू हम लोग सब कुछ देख पा रहे हैं। और मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि पैसिफिक बैंक में छोटी मोटी नहीं, बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल की सिक्योरिटी है। बट मेरे को अपनी गाड़ी को पीछे रखना है और अभी शायद से मुझे बाहर निकलना चाहिए। पहले स्कैनिंग मोड से बाहर निकलते हैं और अभी फटाफट से अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से चलते हैं। लेस्टर तो कह रहा है अभी हमें सीधा बाहर निकलना चाहिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत लेवल सिक्योरिटी है, हमें प्लान में कुछ चेंजेस करने हैं। यार ये लेजर वाली सिक्योरिटी तो मैंने डायमंड कैसीनो तक में नहीं देखी थी, जबकि वहाँ पर तो बहुत सारा पैसा था। पक्का यहाँ पर जो आर्ट है, जो पेंटिंग उसने हमें चुराने के लिए भेजा है ना, सचमुच में उसकी बहुत ज़्यादा ही वैल्यू है, तभी यहाँ पर कुछ इस लेवल की सिक्योरिटी बैंक वालों ने लगाई है। अब देखते हैं आखिरकार लेस्टर प्लान में क्या चेंजेस करता है और हमें क्या क्या चाहिए होगा बैंक में चोरी करने के लिए। ओके, तो अभी फिलहाल लेस्टर ने वापस से अपनी आरसी कार को गाड़ी के ट्रंक में रखवा दिया है और ये कह रहे हैं कि प्लान में हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अगर हमें पैसिफिक बैंक में एकदम सक्सेसफुली चोरी करनी है तो। बाकी जो न्यू प्लान है वो हमें लेस्टर गाड़ी में बैठकर बताने वाला है। फिलहाल जल्दी से गाड़ी को बाहर निकालते हैं, इसने मुझे एक नई लोकेशन पर चलने के लिए बोला है। ये कह रहा है हमें कुछ बंदों को किडनैप करना पड़ेगा, उनसे कुछ काम करवाना है। वो कौन से लोग हैं वो सब हमें लेस्टर वहीं पर चल के बताने वाला है। बाकी जल्दी से बैठते हैं गाड़ी में और फटाफट से निकलते हैं उस लोकेशन के लिए और पता करते हैं कि आखिरकार पूरा का पूरा प्लान है क्या। ओके, तो भी मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और लेस्टर ने मुझे न्यू प्लान के बारे में पूरा का पूरा सीन एक्सप्लेन कर दिया है। तो यार देखो बिना सीन क्या है कि जो अपना पैसिफिक बैंक है ना, इस पैसिफिक बैंक में ये जितनी भी लेजर्स हमने देखी थी ये दिन के टाइम में वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि सीधी सी बात है दिन के टाइम में हम लोग चोरी नहीं कर सकते।
सकते, और अगर चोरी करने का ट्राई करते भी हैं तो पुलिस 2 मिनट में वहाँ पहुँच जाएगी। बगल में दो दो पुलिस डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और रात के टाइम में वो लेज़र्स प्रॉपर वर्क करती हैं, अगर उस लेज़र से 1 सेकेंड के लिए भी कोई टच हो गया ना तो पैसिफिक बैंक के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाएंगे, उल्टा एक्स्ट्रा केज हो जाएगा भाई, वो पूरा वहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। और पुलिस एकदम प्यार से हमें पकड़ कर ले जाएगी, जो कि और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। तो न्यू प्लान ये है कि हम लोग एक टनल बनाने वाले हैं अंडरग्राउंड, जो कि जाएगी पैसिफिक बैंक के लिए। मतलब दरवाजे लोग होंगे तो हम लोग दरवाजों का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। अब जो वो टनल बनानी है, उस टनल को बनवाने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर चाहिए, तो इसलिए मैं अपनी गाड़ी लेकर जा रहा हूँ एक अलग लोकेशन पे, जहाँ पर हमें कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर मिल जाएंगे। बाय द वे गाइस, अभी ना फिलहाल लेस्टर कह रहा है कि अगर हमें ये हाइस्ट को एकदम सक्सेसफुली करना है तो हमें कुछ और लोगों की हेल्प चाहिए होगी, जो कि इस चीज़ में एकदम परफेक्ट हैं। तो मैं इस टाइप के सिर्फ और सिर्फ दो ही लोग को जानता हूँ, जो कि है ट्रेवर एंड फ्रैंकलिन। अब सीन पता है क्या है, हम लोग उनसे हेल्प नहीं ले सकते क्योंकि उनसे हमारी बहुत ज़्यादा बुरी तरह दुश्मनी है, उल्टा वो लोग तो मुझे ही मारना चाहते हैं। बट लेस्टर कह रहा है कि एट द एंड गलती हमारी थी, अगर हम लोग उनसे जाके सॉरी बोलेंगे और हेल्प मांगेंगे तो शायद से एक बार को वो लोग दोस्ती के नाते हमारी हेल्प कर दें। तो मैं वापस अपनी गाड़ी लेकर जा रहा हूँ प्ले बॉय मेंशन के लिए, क्योंकि वो मेरा ही घर है, वो लोग वहीं पर कब्जा करके रह रहे हैं। एक बार चल के भाई माफ़ी मांगते हैं, घर वर सारी गाड़ी वाड़ी उनको दे देंगे, बस वो एक बार ये काम करा दें, क्योंकि अपने पास यार अपना शोरूम वगैरह हम सब कुछ दोबारा से कमा के बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और हाँ, अच्छी बात ये भी है कि ट्रेवर फ्रैंकलिन से दोबारा अपनी दोस्ती हो जाएगी। तो चलो गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूँ अपने पुराने वाले घर पे, फटाफट से अपनी गाड़ी को यहाँ से अंदर लेकर चलते हैं। गेट ओपन हो चुका है, बाकी मेरे को पता है अभी डर क्या लग रहा है कि कहीं ट्रेवर एंड फ्रैंकलिन ने अपने सिक्योरिटी गार्ड को ये ना बोल रखा हो कि जैसे माइकल आए उसको मार डालना। हाँ, ये बात अलग है कि अभी वो लोग हमें पहचान नहीं पाएंगे, अच्छी खासी बियर्ड है, बट लेस्टर साथ में, शायद लेस्टर को पहचान जाए और हमारी काली बिल्ली बैंड बज जाए। बट वेट यार, इनके पास इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी थी पर मुझे यहाँ पर दूर दूर तक एक बंदा भी नहीं नज़र आ रहा है, और जैसे ऐसा लग रहा है इस घर पे कोई रहता ही नहीं, और ये सब कौन लोग है, ऐसा लग रहा है कोई टूरिस्ट यहाँ पर घूमने फिरने आए हुए हैं। वेट, सामने उसका एक सिक्योरिटी गार्ड गेट पे खड़ा हुआ है, इससे एक बारी परमिशन लेके घर के अंदर चलते हैं और ट्रेवर और फ्रैंकलिन को सॉरी बोल के वापस से अपना दोस्त बनाते हैं, क्योंकि इस टाइम उनकी सचमुच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गाइस, तो बिना मेरी फिलहाल ट्रेवर एंड फ्रैंकलिन के बॉडीगार्ड से बात हो गई है, और ये कह रहा है कि घर के अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ट्रेवर और फ्रैंकलिन को पिछले हफ्ते ही पुलिस पकड़ कर ले जा चुकी है और वो लोग दोनों के दोनों जेल में बंद हैं। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, पहले तो ट्रेवर फ्रैंकलिन ने इतनी सारी आर्मी के साथ हमारे ऊपर अटैक करके हमारे घर पर कब्जा कर लिया, उसके बाद अब उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई। सचमुच में यार, ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, मेरे को समझ नहीं आ रहा हम लोग किससे हेल्प लेंगे। लेस्टर से कुछ पूछना पड़ेगा, बाकी मैं खाली पीली ट्रेवर फ्रैंकलिन को गलत समझ रहा था कि यार वो लोग माइकल के फ्यूनरल में भी नहीं आए, बेचारे कहाँ से आएंगे, आखिरकार वो जेल में बंद है। मेरे को समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या हो गया भाई, इतने टाइम से वो लोग पुलिस से बच रहे थे, मेरे को लग भी नहीं रहा था कि पुलिस उन्हें पकड़ पाएगी। बट जैसे कि मैंने बताया, सिक्योरिटी बहुत टाइट हो गई है, हमारे साथ लेस्टर है इसीलिए आज हम लोग जेल के बाहर घूम रहे हैं, वरना शायद हम लोग भी जेल में ही होते। बाकी अभी लेस्टर से पता करते हैं कि आखिरकार प्लान क्या है। ओके गाइस, तो अभी ना फिलहाल लेस्टर ने गाड़ी में ही बैठे बैठे एक और न्यू प्लान बना लिया है। मतलब देखो, अभी ना हमें पैसिफिक बैंक में चोरी करने के लिए ट्रेवर एंड फ्रैंकलिन की जरूरत है, और लेस्टर कह रहा है कि हम टनल बनवा रहे थे कंस्ट्रक्शन वर्कर के थ्रू, तो क्यों ना हम लोग एक टनल और बनवा लें जो कि जाएगी प्रिजन के नीचे, और फिर हम लोग उस टनल से ट्रेवर और फ्रैंकलिन को भी इजीली जेल से एस्केप करा देंगे, वो भी मार से खुश हो जाएंगे और दोस्त बन जाएंगे। फिलहाल मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर आ चुका हूँ, और इस टाइम पर ना मुझे यहाँ के इंचार्ज को पकड़ना है, ना कि इन कंस्ट्रक्शन वर्कर को। अगर मैं उसको पकड़ लूँगा तो अपना सारा काम बहुत ईजिली हो जाएगा, इधर बहुत सारे लोग हैं, बट इनका जो इंचार्ज है वो मुझे कहीं पर, ओह वेट, वो यही है क्या, मुझे यही लग रहा है इनका इंचार्ज, तो मुझे भी फटाफट से इसी को पकड़ कर लेकर चलना है। बाकी यार इस टाइम पर ये कुछ तो समझा रहा है, बट अपने पास इतना ज़्यादा ना फालतू टाइम नहीं है। भाई सब अकड़ देख रहे हो इस बंदे की, मैं इससे बात करना चाह रहा हूँ और ये मुझे इग्नोर मार रहा है। एक सेकेंड रुक जाए बेटा, ये शायद से भी जानता नहीं है, वैसे अच्छी बात है जानता नहीं है, वरने से पता चल जाएगा माइकल है तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। बट वेट, अभी इसको लग रहा है हल्का फुल्का बताना ही पड़ेगा कि माइकल की बात ना सुनने का क्या नतीजा होता है। गन मैंने निकाल लिया है और खुद ही चुपचाप से एक साइलेंट एरिया में आ चुका। ओ भाई साहब, हेलो, ओ इधर इधर पीछे सर, एक सेकेंड, इसका ध्यान कहाँ है भाई, कितना ज़्यादा बिजी हो रखा है, इसको गन ही नहीं नज़र आ रही पैंस की। देख अब बोल फालतू, अब इसकी हालत ख़राब हो चुकी है और अब
अपनी बातें प्यार से मानने वाला है। ऑल राइट, तो भी फिलहाल मैंने इसको अपने साथ साथ गाड़ी में चलने के लिए बोल दिया है, क्योंकि पूरा प्लान तो यार देखो लेस्टर ही एक्सप्लेन करने वाला है, मैं इसे कुछ नहीं बताऊंगा। लेस्टर ही बताएगा कि कहां पर टनल बननी है, कहां से हम लोग पैसिफिक बैंक में जाने वाले हैं और कहां से प्रिजन में जाने वाले हैं। फिलहाल ये बंदा तो सचमुच में यार बहुत ज्यादा शरीफ है, हल्का सा एम कर रहा है, ये बिल्कुल डर चुका है, ना पुलिस को कॉल कर रहा है ना किसी को बुला रहा है, चुपचाप से हमारे साथ गाड़ी में आ रहा है। इसको बिठाते हैं और लेकर चलते हैं सबसे पहले से प्रिजन के पास, प्रिजन का टनल बनवाने के लिए। ओके, तो भी हमने इसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया है, फटाफट से गाड़ी को घुमाते हैं और लेकर चलते हैं जल्दी से प्रिजन के पास। और साथ ही हमने इसको ये भी बोल दिया है कि जो तेरी पूरी की पूरी टीम है ना, उसको भी कॉल करके अपने साथ ही बुला ले, ताकि सारा का सारा काम जल्दी से हो। मतलब सीधी सी बात है, ये उन्हें बस बताएगा काम क्या करना है, बट असली टनल बनाने का काम तो इसके जो वर्कर्स हैं वही करने वाले हैं ना, तो इसलिए जल्दी जितनी जल्दी वो लोग पहुंचेंगे उतनी जल्दी काम स्टार्ट होगा। फटाफट से हम लोग पहुंचते हैं उस लोकेशन पे। अरे बाइकर को क्या है भाई, रेस लगाना चाह रहा है क्या हमारी डॉज चैलेंजर के साथ? वेट, अभी इसको ओवरटेक करते हैं एक सेकंड के अंदर। नहीं यार, इसकी बाइक की स्पीड भी काफी अच्छी खासी है, पर आखिरकार अपनी गाड़ी बहुत ज्यादा खतरनाक है। ओके, तो भी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुका हूँ सीधा प्रिजन पे, क्योंकि सबसे पहले हम लोग एस्केप करवाने वाले हैं ट्रेवर एंड फ्रैंकलिन को, क्योंकि ये ही हमारी हाइस्ट में सबसे ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। फिलहाल जल्दी से अपनी गाड़ी को यहाँ से आगे लेकर चलते हैं। तो हमने जिस बंदे को किडनैप करा था, उसने अपने सभी कंस्ट्रक्शन वर्कर को भी इसी लोकेशन पे आने के लिए बोल दिया है, शायद कुछ ही देर में वो लोग भी आते होंगे। फिलहाल हम लोग अपनी गाड़ी को ना यहीं कहीं पर साइड में लगा देते हैं, क्योंकि लेस्टर का कहना है कि यहाँ से हम लोग ईजिली टनल बना सकते हैं और किसी को कुछ खास पता भी नहीं चलने वाला। फिलहाल जो इसने गाड़ियाँ बुलाई थी वो यहाँ पर आ चुकी है, वहाँ पर पीछे एक डोजर आया है और ये जो आप क्रेन देख पा रहे हो, क्रेन है या फिर क्या है मुझे नहीं आइडिया, इसी के थ्रू टनल बनने वाली है, वो भी बहुत जल्दी। फिलहाल अभी हम लोग पहले उतरते हैं यहाँ पर। ओके गाइस, तो भी फिलहाल इस बंदे ने अपने वर्कर को पूरा का पूरा प्लान समझा दिया है कि किस तरीके से हमें जल्दी से जल्दी प्रिजन तक के अंदर पहुंचने की टनल बनानी है। फिलहाल लेस्टर और ये जा रहे हैं इस टाइम पर एक दूसरी लोकेशन पे, क्योंकि हमें एक पैसिफिक बैंक की भी टनल बनानी है अंदर एंट्री करने के लिए। बाकी मेरे को यहाँ पर खड़े होकर इनका ध्यान रखना है कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। इन्होंने वैसे बोला है कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, मतलब इतना कोई छोटा काम नहीं है, बट हाँ ये दो बहुत ज़्यादा खतरनाक व्हीकल आई हैं, थोड़ा बहुत शोर मचेगा, बट अपना काम जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा 2 से 3 घंटे में। मतलब मैं पता क्या चाहता हूँ कि आज रात होते ही ये काम कंप्लीट हो जाए, मतलब रात होने से पहले, क्योंकि अपना चोरी करने का प्लान रात के 3 से 4 बजे का ही है, उस टाइम पे एकदम बढ़िया रहेगा। वैसे गाइस देखो, टनल तो बन जाएगी, बट मुझे पता है डर क्या लग रहा है कि मैं प्रिजन के अंदर तक कैसे जाऊंगा। मतलब टनल हमें प्रिजन के अंदर ले जाएगी, बट जहां पर ट्रेवर और फ्रैंकलिन है वहां तक तो नहीं ले जाने वाली ना, उनको मुझे अंदर जाके ढूंढना ही होगा, और उन्हीं लोग को बस मुझे इस टनल के बाहर लेकर आना है, और इसके बारे में और किसी को नहीं पता चलना चाहिए, वरना प्रिजन के सारे बंदे टनल से बाहर ही चले आएंगे। फिलहाल ये दोनों गाड़ियां इस टाइम पर जा रही है आगे की तरफ में, मतलब इन्हीं के बॉस ने इन्हें जहाँ पर टनल बनाने के लिए बोला होगा, ये लोग वहीं पर जाने वाले हैं। बस मुझे खड़े होकर इनका ध्यान रखना है कि ये लोग काम कर रहे हैं या फिर नहीं। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली पूरे के पूरे 4 घंटे बाद इन लोगों ने प्रिजन के अंदर जाने की टनल को बनाकर कंप्लीट कर दिया है। और यार सचमुच में इनके बॉस ने बहुत ज्यादा स्मार्ट वर्क करा है। यहाँ पर ऑलरेडी ना एक ऐसा सीवर था, एक ऐसी टनल थी जिसमें प्रिजन का सारा गंदा पानी बाहर आता था। इन्होंने बस क्या करा, इस मतलब पूरी जगह को इस बड़ी मशीन के थ्रू आगे से ब्लॉक कर दिया, ताकि सारा पानी कहीं और ही निकल जाए, और इस वाली टनल को पूरा का पूरा ड्रेन कर दिया। मतलब अभी हम लोग प्रिजन के अंदर जा रहे हैं एक घटिया पुराने सीवर के थ्रू। भाई सचमुच में इन्होंने टनल बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लिया है, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी टनल है। मुझे तो ये डर लग रहा है कहीं बाहर से ये लोग मुझे बंद ना कर दें, मतलब अगर मैं यहाँ बंद हो गया तो एक तरीके से मैं प्रिजन में ही बंद हो जाऊँगा। ये जगह भी सीधा प्रिजन ही जाने वाली है, बट ये टनल कितनी लंबी है मुझे कोई आइडिया नहीं, कहीं अचानक से सामने से पानी ना आ जाए भाई। ओके गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैं इस टनल में धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा आगे तक आ चुका हूँ, और वो जो बैक साइड है ना जहाँ से हमने एंट्री करी थी इस टनल में, वो जगह अब मुझे यहाँ से नज़र भी नहीं आ रही है। पता नहीं आके कितनी बड़ी टनल है यार ये, मतलब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। फिलहाल यहाँ पर सामने आगे को एक कट है जो कि टर्न हो रहा है, और वेट, सामने मुझे कोई तो लेटर नजर आ रही है, और शायद से यही है इस टनल की एग्जिट। अगर मैं इस लेटर के थ्रू बाहर निकलता हूं तो शायद से मैं प्रिजन के अंदर एंटर कर जाऊंगा, और अगर कोई भी प्रिजन गार्ड यहां पर नहीं हुआ तो अपना काम हो जाएगा, हम लोग ट्रेवर और फ्रैंकलिन को यहीं से चुपचाप से एस्केप करवा लेंगे, कोई पुलिस से फाइट नहीं करनी, किसी को कुछ नहीं पता चलने वाला, और अपना सारा काम हो जाएगा। लेट्स गो, तो अभी फिलहाल मैं आ चुका हूं इस शाफ्ट से बाहर, और एक बार आप लोग इधर ध्यान से देखो, ये कितनी ज्यादा खतरनाक एलिवेटर शाफ्ट है। हम लोग बाहर आ गए, और कुछ इस
तरीके से ऑटोमेटिकली बंद हो चुकी है, मतलब कुछ ऐसा देखने में लग ही नहीं रहा है कि इधर कोई सीक्रेट टनल का भी रास्ता है। फिलहाल हाँ, अभी मुझे धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। रात का टाइम है और ये सारे के सारे अलार्म ऐसे हो रखे कि अगर हल्की सी गलती हुई नहीं कि कुछ इस तरीके से बजने लग जाएंगे और अपनी बैंड बज सकती है। तो मुझे मेनली ध्यान रखना है कि कोई भी प्रिजन गार्ड मुझे देख ना ले। फिलहाल यहाँ पर कोई भी प्रिजनर मुझे नजर नहीं आ रहा है, शायद सारे के सारे सो जाते होंगे रात में। बट हाँ, मेरे को जाना है सामने की तरफ, यहाँ पर कवर लेकर देख लेता हूँ कि कोई भी मैं सोच रहा था कि कोई भी सिक्योरिटी गार्ड ज़्यादा एक्टिव नहीं है इतनी रात को, बट एक अभी अभी इस दरवाजे से निकल कर जा रहा है। वैसे ये जहाँ पर जा रहा है मुझे भी वहीं जाना है, तो चुपचाप से ना बस ये पीछे को मुड़ कर ना देखे, मैं साइड साइड ना आराम से निकल लेता हूँ। पहले भाग के जाके इसके पीछे कवर ले लेते हैं, लेट्स गो। यहाँ पर कवर ले लेता हूँ, उसने अपना डॉग भी साथ में रखा हुआ है। भाई पता चला, उसको नहीं पता चला लेकिन उसके डॉग को पता चल गया, क्योंकि वो हर तरफ यार सूंघते हुए चल रहा है उसका डॉग कि कोई बाहर का बंदा आया तो वो वेट। भाई उसके डॉग से मुझे ज्यादा डर लग रहा है इस टाइम पर। ओके, तो अभी फिलहाल ये जो गार्ड है काफी ज्यादा आगे जा चुका है। मुझे इस टाइम ना वो जो राइट वाली सामने को बिल्डिंग है, मुझे उस बिल्डिंग के अंदर पहुंचना होगा फटाफट से। वहीं पर हो सकते हैं ट्रेवर और फ्लैंकलिन। ऑलराइट गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैं चुपचाप सभी सिक्योरिटी से बचता हुआ पहुंच चुका हूं बिल्डिंग नंबर 7 पे, जहां पर ट्रेवर और फ्रैंकलिन के होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। क्योंकि जब एक बार पुलिस ने मेरे को पकड़ के बंद करा था तो वो लोग मुझे भी यहीं इसी बिल्डिंग के अंदर लेकर आए थे। फिलहाल अभी मुझे पता डर क्या लग रहा है, हो सकता है अंदर कुछ प्रिजन गार्ड्स हों और कुछ ऐसे प्रिजनर्स हों जिन्हें वेट। मैं सोच रहा था कि इस टाइम पर सारे सो रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर तो भाई साहब जिम चल रही है। ये बंदा रात में जाकर बॉडी बना रहा है, नाइट लगा रहा है भाई, लेट्स गो। फिलहाल हाँ, मैं ये कहने जा रहा था कि इधर ना कुछ प्रिजनर्स ऐसे भी हो सकते हैं भाई जो हमें मारने पीटने के लिए आ जाएं, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी आधी लड़ाई हुई थी किसी एक बहुत खतरनाक गुंडे ने मुझे मारा था। ये प्रिजन गार्ड को यहाँ पर किसी ने लग रहा बहुत ज़्यादा बुरी तरह पीटा है और पक्का वो बंदा यही है। भाई साहब मेरे को लग रहा है इसको मार पीट के सो गया है अपना यहाँ पर। फिलहाल हाँ, मेरे को इनसे मतलब नहीं है, मुझे भी जल्दी से ट्रेवर एंड फ्रैंकलिन को ढूंढना है। एक बार यहाँ पर अंदर चल के देखता हूँ, वेट यहाँ पर तो कोई और पे भाई कोई तमीज़ ही नहीं है सोने की, इतने मस्त मस्त इनको बेड दे रखे हैं लेकिन एट द एंड इन्हें सोना ज़मीन पर ही है। उसको देखो भाई कैसे सो रहा है अंदर। फिलहाल यहाँ पर है क्या ट्रेवर? नहीं, यहाँ पर मेरे को सच में ट्रेवर फ्रैंकलिन कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे। एक बार इसके अंदर दो लोग हैं, क्या पता यहाँ पर हो ट्रेवर और फ्रैंकलिन। वेट यहाँ पर चल के देखता हूँ, लेकिन इसके अंदर भी ट्रेवर फ्रैंकलिन नहीं है। ओके गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैंने बिल्डिंग नंबर 7 को पूरा चेक कर लिया है, एक एक प्रिजन सेल मैंने ओपन करके देखे, बट ट्रेवर और फ्रैंकलिन मुझे उसके अंदर नहीं मिले। फिलहाल यहाँ पर और भी काफी सारे बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर 8, बिल्डिंग नंबर 9, हो सकता है ट्रेवर फ्रैंकलिन इसके अंदर हो, बट वहां तक जाना भी सचमुच में काफी ज्यादा रिस्क है। फिलहाल सामने कैंटीन है, मैं एक बार ना इसके अंदर चल के देख लेता हूँ, क्या पता ट्रेवर एंड फ्रैंकलिन वहां पर रात में कुछ खाना खाने के लिए गई हूँ, क्योंकि ये शायद से पूरी रात ओपन रहती है। बट वेट, यहाँ पर एक प्रिजन गार्ड है, चुपचाप से ना इसके स्टन गन बजा देता हूँ, ये अपना बेचारा झटका खा के डाउन हो जाएगा और अभी मैं इजीली अंदर जा सकता हूँ। पर पहले गन अंदर रख लूँ क्योंकि मेरे को ना खाली पीली किसी के पंगे में फंसना नहीं है। बाकी यहाँ पर कोई प्रिजन गार्ड नहीं है, इधर बस शेफ है। बाकी गाइस मुझे नहीं लगता कि ट्रेवर एंड फ्रैंकलिन इस कैंटीन के अंदर है, अभी मुझे कहीं और ही जाना होगा यार उन दोनों लोगों को ढूंढने के लिए। वेट, ये ट्रेवर मुझे यहाँ पर मारने के लिए आ चुका है, मुझे लग ही रहा था ऐसा कुछ होने वाला है। भाई इसने रख के हमें एक डंडा मार दिया, वो भी सर पे। भाई इस टाइम माइकल की हालत सचमुच में काफी खराब हो गई है। गाइस मुझे नहीं लगता कि अभी हमारी ढंग से बात होने वाली है, ये दोनों लोग इस टाइम पर फुल मेरे को मारने के मूड में आए हुए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जब से प्रिजन के अंदर एंटर हुआ ना ये तब से ही मेरा पीछा कर रहे थे। अभी भाई साहब मन तो मेरा ये कर रहा है कि मैं अभी इनके एक हाथ बचा दूं। वेट, अभी ये फ्रैंकलिन की तो अकल मेरे को ठिकाने लगाने पड़ेगी, चल मार। एक सेकंड भाई, वेट, ये भी बहुत ज़्यादा ही बुरी तरह मारने वाले हैं भाई, डंडे डंडे। एक सेकंड, मैं सोच रहा हूँ एक बारी साइड आ जाऊँ, ये लोग एक बारी आराम से बैठ के बात कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा, लेकिन नहीं, इनको भाई सिर्फ डंडे बजाने, अपनी पुरानी दुश्मनी पूरी करनी है। भाई पूरा चक्कर आ गया भाई इस टाइम पर माइकल को। अभी रुक जाओ, बहुत हो गया भाई, अब मैं भी मारने वाला हूँ। इतनी देर से मैं सोच रहा हूँ कि आखिरकार हमें इनसे मदद चाहिए तो मैं ना मारूँ, और ये ट्रैवर के भी मैं रख रख के मारने वाला हूँ मुँह ही मुँह पे मुक्के। बट ले तेरी भैंस की, तू मारेगा मेरे को, ले। तो यार अभी ना फ्रैंकलिन सचमुच में बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ चुका है और इस टाइम इसने
मेरे वापस से फेस पे स्टिक मार दिया है और ये ट्रेवर भी अभी मुझे मारने के लिए आ चुका है यहाँ पर। यार अभी ना मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं जैसे उठने का ट्राई कर रहा हूँ ये ट्रेवर वापस आके मुझे किक कर दे रहा है। अगर एक बारी में गलती से उठ गया ना कसम से इन दोनों लोग की मैं बैंड बजा डालूंगा। मेरे पास स्टन गन है और अगर अभी मुझे इन्हें अपनी बात बतानी है तो ये करना ही पड़ेगा। एक तो यार मैं इन दोनों लोग को प्रिजन से बाहर निकालने में लगा हुआ हूँ और ये है कि भाई मेरे को ही मारे जा रहे हैं। बट वेट, अभी इनका बहुत हो गया। मैं ट्रेवर के भी स्टन गन बचाने वाला हूँ और साथ ही फ्रैंकलिन के भी मैंने स्टन गन बचा दिया है, क्योंकि सीधी सी बात है यार अगर इनको मैं अपनी बात नहीं बताऊंगा तो फिर हम लोग अपनी पैसिफिक बैंक में हाइस्ट भी नहीं कर पाएंगे। और वेट भाई साहब, इसको बड़ी जल्दी होश आ रहा है, वापस से मैंने इसको लिटा दे। उठ, अब उठ तू। वेल तो अभी ना फिलहाल मैंने ट्रेवर एंड फ्रैंकलिन को मार पीट के पूरा का पूरा प्लान समझा दिया कि मैं इस प्रिजन में इन लोग से फाइट करने नहीं आया हूँ, उल्टा मैं तो इनको यहाँ से एस्केप करवाने के लिए आया हूँ। और ये लोग भी अभी बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हम लोग की वही पुरानी वाली दोस्ती वापस आ चुकी है तीनों की। हम लोग पहले चुपचाप इस प्रिजन से बाहर निकलेंगे। अपने पास पूरी की पूरी टनल है, जिस टनल के बारे में जब इन्हें पता चला तो ये सचमुच में काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके हैं और ये रेडी हैं हमारे साथ पैसिफिक बैंक में हाइस्ट करने के लिए। बट पता है प्रॉब्लम क्या है? फ्रैंकलिन कह रहा है कि 50% पैसा उसे चाहिए और ट्रेवर कह रहा है बाकी 50% उसे चाहिए। पर मुझे क्या मिलेगा? खैर छोड़ो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरे को तो वो बस आर्ट चाहिए जिस आर्ट को हम लोग को उस बंदे को ले जाके देना है और फिर वो हमें बेगुनाह साबित कर देगा। बाकी ऊपर एक गार्ड चल रहा है, भाग के चलना पड़ेगा थोड़ा सा हमें। यहाँ से साइड साइड से जल्दी से निकल लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी यार इन लोगों ने ना मार मार के पैर की हालत कुछ ऐसी कर दी कि मैं अभी तेज भाग भी नहीं पा रहा हूँ। ऑल राइट गाइस, तो अभी फिलहाल हम तीनों लोग भाग कर जा रहे हैं सीधा टनल के लिए और फिर सीधा निकलेंगे लॉस सैंटोस। और अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर कोई भी प्रिजन का सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, तो जितना कम टाइम है उतने ही कम टाइम से फटाफट निकल लिया जाए। अपनी जो टनल की एंट्रेंस है वो यहीं पर शायद राइट साइड में थी अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो लेट्स गो। तो फाइनली एलिवेटर शाफ्ट ओपन हो चुका है, फ्रैंकलिन जा चुका है टनल के अंदर, ट्रेवर भी जा चुका है, फटाफट से हम लोग भी चलते हैं। भाई क्या मस्त एकदम चुपचाप से बढ़िया वाला एस्केप हो गया, किसी को कुछ भी नहीं पता चला। और वेट, हम लोग भी स्लेडर पे चलते हैं और अभी हमें ना बहुत तेज भाग के जाना पड़ेगा क्योंकि ये टनल सचमुच में बहुत ज्यादा लंबी है। भागते हैं फिर यार बिना किसी देरी के, हमें अभी जल्दी से जाके हाइस्ट भी करनी है। वहां पर लेस्टर हमारा वेट कर रहा है। मुझे तो चल के ये पता करना है कि आखिरकार प्लानिंग क्या है, कहीं मुश्किल है या फिर आसान है। भाई साहब टनल में सचमुच में बहुत ज्यादा अंधेरा है, बट अच्छी बात तो ये है कि मेरे पास टॉर्च थी एंड फाइनली हम लोग यहाँ से एस्केप कर चुके हैं। अब जल्दी से जल्दी ना हमें एक बढ़िया सी गाड़ी ढूंढनी होगी ताकि हम फटाफट यहाँ से निकल ले। और पहले तो यार हमें ना इस प्रिजन से बहुत दूर जाना पड़ेगा। पता चला गार्ड्स जो हैं वो टावर से हमें देख रहे हैं कि हम लोग कैसे यहाँ से भाग के गए हैं। तो बिना किसी देरी की वाली गाड़ी रोकते हो। भाई 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 वे, अरे यार रुको रुको रुको, एक गाड़ी और आ रही है सामने। बट हाईवे पे ना सचमुच में गाड़ी रोकना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो रहा है। मेरे पास स्टन गन है, मैं किसी बंदे को मार के गाड़ी रोक भी नहीं सकता। और ट्रेवर इस मामले में बहुत तेज है भाई, जाके सीधा उसके बजा दी। अभी जल्दी से चलकर बैठते भाई गाड़ी में ट्रेवर ने, क्योंकि एक गाड़ी आराम से मस्त कब्जा लिया। मैं पीछे वाली सीट पर बैठ चुका हूँ, ट्रेवर फ्रैंकलिन आगे बैठ चुके हैं। अब जल्दी से हम लोग पहुंचते हैं सीधा लॉस सैंटोस जहाँ पर हमें लेस्टर ने मिलने के लिए बुलाया है। ऑल राइट गाइस, तो अभी फिलहाल हम लोग अपनी गाड़ी लेकर वापस से पहुंच चुके हैं लॉस सैंटोस ट्रेवर एंड फ्रैंकलिन के साथ में। और अभी रात के 3 बज रहे हैं, हमें चोरी करने निकलना है 4 बजे। लेस्टर हमारा उस जगह पे वेट कर रहा है पूरा का पूरा प्लान बताने के लिए। जल्दी से अपनी गाड़ी जो है उस जगह पर लेकर चलते हैं। बाकी मैं नहीं ड्राइव कर रहा हूँ इस टाइम पर, ट्रेवर ड्राइव कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई। वापस से काफ़ी टाइम बाद हम तीनों जा रहे हैं कोई चोरी करने के लिए और ये शायद से लेस्टर का कोई नया सीक्रेट बेस है। बाहर बहुत खतरनाक कैमरा और बहुत खतरनाक लॉक लगा हुआ है जो कि शायद से हमारे लिए ही ओपन हुआ है, अगर और कोई आएगा तो शायद से वो नहीं ओपन होगा। फिलहाल अभी फटाफट से चल के हम लोग एक बार लेस्टर से बात करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार पूरा का पूरा प्लान क्या है स्टोरी को लेकर। ऑल राइट गाइस, तो अभी ना फिलहाल लेस्टर ने मुझे पूरा का पूरा प्लान एक्सप्लेन कर दिया है कि आखिर किस तरीके से हमें पैसिफिक बैंक में हाइस्ट करनी है। बाकी यार सच बताऊं तो इसके प्लान के अकॉर्डिंग मुझे ये चोरी बहुत ज्यादा सिंपल लग रही है। एक बार आप लोग सामने बोर्ड देखो, लेस्टर ने जो टनल बनवाई थी ना अंडरग्राउंड, उस टनल के सामने इमेज है और वो टनल डायरेक्ट बैंक के वॉल्ट में जा रही है, मतलब जहां पर सारा का सारा पैसा रखा होता है। हम लोग सीधा वहां पर पहुंच जाएंगे उस टनल के थ्रू। बट वेट, वो टनल आखिरकार है कहां पर? इस जगह पे कहीं और है? वो लेस्टर ने अभी तक मुझे नहीं बताया और शायद से वही दिखाने के लिए रहा। ओ तेरी भाई सब, लेस्टर यहां पर बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से इस हाइस्ट को करने के मूड में है। उसने पूरा का पूरा छुपा रखा था इस जगह को और सारे का सारा सामान उसने हटाकर इस टनल को ओपन कर दिया है।
भाई ये सचमुच में बहुत ज़्यादा खतरनाक आइडिया है। अभी हमें इस टनल के अंदर चलना है, बट उससे पहले आप लोग पूरा प्लान समझ लो। ट्रैवर भी हैरान हो गया, भाई ये चोरी तो नेक्स्ट लेवल होने वाली है। तो ये कुछ कपड़े हैं, लेस्टर ने बोला है कि हम तीनों को यही कपड़े पहनकर जाना है, एक जैसे कपड़े। कुछ हमारे लिए अलग अलग फेस मास्क है जिससे हमारा पूरा फेस कवर रहेगा, ताकि जितने भी सीसीटीवीज वगैरह है उसमें हमारी फोटो ना आए। बाकी अगर ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है बैंक के अंदर, तो ये हमारे लिए गाड़ी है जिससे हम लोग यहाँ पर बैठ के भाग सकते हैं वापस से। और ये गाड़ी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये पानी में भी तैरती है, मतलब पानी में भी तैरती है, बोट की तरह चलती है पानी में। और उसके पीछे एक बहुत खतरनाक गन है, और इसी टनल से हमें वापस आना है। खैर ठीक है, पूरा प्लान एकदम डन है। अभी फटाफट से हम लोग रेडी हैं हाइस्ट करने के लिए, बस कपड़े बदल लेते हैं तीनों लोग जल्दी से। लेट्स गो गाइस। तो भी हम तीनों लोग रेडी हैं इस चोरी को करने के लिए। हम लोगों ने अपनी आउटफिट चेंज कर लिया है, अपने फेस पे बहुत ज्यादा खतरनाक सा मास्क लगा लिया है। बाकी हम तीनों के पास ये एक बैग है जो कि लेस्टर ने दिया है। इन सब के अंदर हमें पैसा तो भर के लाना ही है, पर साथ के साथ इन सब में है एक ड्रिल मशीन जो कि बैंक का वॉल्ट ओपन करने में काम आने वाली है। और साथ ही कुछ उसने वेपन्स दिए कि कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमारी हेल्प करें। और साथ में है कुछ स्टिकी बॉम्ब्स जो कि बहुत सारे लॉकर्स तोड़ने में काम आएंगे। फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं यहाँ से नीचे, और अब होने वाला है भाई असली तमाशा जिसके लिए हम लोग सुबह से लगे हुए हैं। अगर एक बार ये हाई सक्सेसफुली हो जाती है तो फिर सचमुच में अपने मजे आ जाएंगे। बाकी अभी यहाँ पर फ्रैंकलिन उतर कर आ चुका है, ये रेड वाला फ्रैंकलिन है, एंड ये जो ब्लू मास्क वाला है ये ट्रेवर है। मतलब हाँ, अभी हमें एक दूसरे को अगर पहचानना है तो हम अपने मास्क के कलर से ही पहचान सकते हैं, क्योंकि ऐसे एक दूसरे को कोई नहीं देख पाएगा। फिलहाल ये टनल शायद उतनी लंबी तो नहीं होनी चाहिए जितनी प्रिजन वाली टनल है। बाकी हाँ, यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है कि लाइट्स लगी हुई है, इतना अंधेरा नहीं है जैसे वहाँ पर था। फटाफट से भाग के चलते हैं, अभी देखो रात के 4 बज रहे हैं, सुबह 6 बजे बैंक ओपन हो जाएगा, तो हमें फटाफट से 1 घंटे के अंदर ही चोरी कंप्लीट करनी है। बाकी इन लोग को भी यहीं पर रुकने के लिए बोल देता हूँ, हमें कवर लेना होगा क्योंकि मेरे को यहाँ पर चल के ना बॉम्ब लगाना है। तो फटाफट से मैं इधर आराम से एकदम बॉम्ब प्लांट कर देता हूँ, एक बॉम्ब शायद से बहुत रहेगा, ये बॉम्ब ब्लास्ट होगा और सीधा वॉल टूट जाएगी और हम लोग डायरेक्ट अंदर जाएंगे। मैं यहाँ पर कवर ले लेता हूँ, बट वेट, मेरे को देखना भी है कि बॉम्ब कैसा ब्लास्ट हो रहा है। लेट्स गो। एक ही बार में वॉल पूरी टूट चुकी है। जल्दी से हम लोग चलते हैं बैंक के अंदर, अपनी गन मेरे को बाहर निकाल लेनी चाहिए। वो भाई साहब कितना ज्यादा इजी लग रहा है यार बैंक के अंदर आना, वो भी सीधा उस जगह पे जहाँ सारा का सारा पैसा है। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने इस बैंक के वॉल्ट को ओपन कर दिया अंदर वाली साइड से, और यहाँ से ओपन करने के लिए हमें कोई भी की वगैरह की जरूरत नहीं थी, कोई पासवर्ड नहीं डालना पड़ा। बाय द वे, अभी ना हम लोग चलते हैं इस दूसरी वाली साइड पे, और ट्रैवर को हमने वो वाली साइड को लूटने के लिए बोल दिया है। फ्रैंकलिन और मैं जाएंगे इस वाले वॉल्ट के अंदर, क्योंकि असली पेंटिंग, असली सारा का सारा खतरनाक पैसा इसके अंदर पड़ा हुआ है। बट हाँ, वहाँ पर जाने से पहले मेरे को इसमें USB लगा के इस पासकोड को भी हैक करना होगा, ताकि मैं वाले वॉल्ट को इजीली हैक करके ओपन कर सकूं लेस्टर के थ्रू। ऑल डन गाइस, तो हैकिंग कंप्लीट हो चुकी है और दरवाजा ओपन हो चुका है। फटाफट से चलते हैं अभी हम लोग अंदर। और वे गाइस, ये देखो, एक वॉल्ट के बाद यहां पर एक कोर वॉल्ट है, और इस वाले वॉल्ट को हम लोग इतनी इजीली ओपन नहीं कर सकते हैक वगैरह करके, इसीलिए लेस्टर ने हमारे साथ भेजी थी ड्रिल मशीन, ताकि इसका जो लॉक है ना उसको हम लोग प्रॉपर्ली मेल्ट करके इसे ओपन कर पाए। वैसे ये एक ड्रिल मशीन नहीं है, ये एक टाइप से लेजर है जो कि इस लॉक को पूरा बर्न करेगी। तो फटाफट से बर्निंग स्टार्ट करते हैं। टोटल 6 डिस्क है, मुझे यहाँ पर लेजर का एकदम प्रेशर बढ़ाकर एक एक डिस्क को यहाँ पर तोड़ना है। जैसे एक मेल्ट कर दी, अब ये दूसरी वाली शायद से थोड़ी बहुत टाइट है, ये बिल्कुल हीट होने का नाम ही नहीं ले रही है। और यहाँ पर दिखा रहा है अगर मैं 960 डिग्री से ऊपर जाता हूँ तो शायद, ओ मेरे को टेस्ट करना ही था। और ये देखो, 960 से ऊपर जाते ही अपना जो ये है फेल हो जाएगा, तो मुझे दोबारा से ट्राई करना है, और इस बारी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ड्रिलिंग में। वैसे गाइस यार, मैं इस चीज को ड्रिलिंग क्यों बोल रहा हूँ, ये तो एक टाइप से मतलब लेजर कट है, हम लोग सारी प्लेट्स काटने वाले हैं लेजर के थ्रू। ओके गाइस, तो फाइनली मैं पूरी की पूरी 5 प्लेट्स कट कर चुका हूँ इस लॉक की। अब बची है ये एक लास्ट प्लेट, जो कि सचमुच में इन बाकी 5 से बहुत ज्यादा हार्ड है। फिलहाल इस काम में सचमुच में काफी ज्यादा टाइम लग गया, और अभी हमें ना जल्दी से पेंटिंग चुरा कर यहाँ से निकलना है। इधर मेरे सबसे पैसा बहुत होगा, बट हम लोग को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। मेनली जिस पेंटिंग को लेने के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ ना, मुझे बस वही चुरा कर यहाँ से निकलनी है। फिलहाल ये वाली पेड़ भी कटने वाली है, लेट्स गो। 1, 2, 3 हो जाए यार, इसमें कसम से बहुत टाइम लग रहा है। ये देखो, पूरी फुल स्पीड में हीट मारते एक बारी, नीचे से कम करी लेजर की। ओके, शायद मैं काफी देर से गलती कर रहा हूँ, मेरे को ना लेजर पहले थोड़ी सी पतली रखनी है, उसके बाद फुल ब्रॉड करके फेंकनी है, और ये जो लेजर है कट हो जाएगी। लेट्स गो। तो फाइनली पूरा का पूरा जो लॉक है वो उस टाइम पर टूट चुका है, और अभी हम लोग जाने वाले हैं बैंक के अंदर सारा का सारा पैसा, सारा गोल्ड, सारा डायमंड चुराने के लिए। लेट्स गो।
ये वाला वोल्ट भी ओपन हो गया। और सच में यार इसको ओपन करने में तो पूरी की पूरी बैंड बच गई अपनी। फिलहाल फ्रैंकलिन आ चुका है, ट्रेवर ने शायद अब तक वो वाली साइड पूरी लूट ली होगी। और यहाँ पर सच में बहुत सारा गोल्ड है, इस तरफ तो भर के कैश पड़ा हुआ है, बट ये जो लेफ्ट वाली साइड है यहाँ पर बहुत सारा गोल्ड है और इधर भी काफी सारा कैश है। ठीक है, तो भी फटाफट मेरे को ना यहाँ पर जितने भी लॉक हैं इन सब पे मेरे को स्टिकी बॉम्ब लगाने हैं, C4 जो हमें लेस्टर ने दिए थे सब पर एक साथ प्लांट करते हैं, फिर उन सभी को एक साथ ब्लास्ट कर देंगे और फिर फ्रैंकलिन सारा का सारा गोल्ड लूटेगा। बट एक प्रॉब्लम है मुझे यहाँ पर ना, अभी भी कहीं पर कोई पेंटिंग वगैरह नजर नहीं आ रही यार कसम से। मतलब अभी फ्रैंकलिन ये सब काम कर रहा है, वैसे सामने एक और वोल्ट है भाई, ये बैंक कितना बड़ा है भाई, कसम से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं कम से कम ये चौथा वोल्ट खोल रहा हूँ शायद से। अभी मेरे को इसे भी हैक करना पड़ेगा, इसकी भी USB लेस्टर ने मुझे दी है, तो फटाफट से इसको हैक करेंगे। बट पहले सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत पैसा वैसा बटोर लिया जाए। फ्रैंकलिन ने सारे बॉम्ब प्लांट कर दिए हैं, अभी चलना होगा मैं पीछे वाली साइड पे, क्योंकि इसको भी ब्लास्ट करेंगे तो हमारे कोई डैमेज नहीं आना चाहिए। मैं आ चुका हूँ, फ्रैंकलिन भी आ जाए, तो फिर फटाफट से हम लोग एक ही साथ बटन दबाएंगे। 3, 2, 1 लेट्स गो। मैंने बटन दबा दिया, मेरे बॉम्ब ब्लास्ट होकर फ्रैंकलिन के भी बॉम्ब ब्लास्ट हो चुके हैं और यहाँ पर दोनों दरवाजे खुल गए हैं। चल के फटाफट से जितना भी गोल्ड है ना ये सारा का सारा बटोर के अपने बैग में भर लेते हैं भाई। ये अभी भर भर के गोल्ड आने वाला है ये अपने बैग के अंदर, लेट्स गो। ये जितने भी गोल्ड के बार्स हैं यार सचमुच में मार्केट में बहुत ज्यादा महंगे बिकने वाले हैं, तो ये मैंने पिकअप कर लिया है। उधर फ्रैंकलिन अपना कैश फटाफट से पिकअप कर रहा है। फिलहाल अभी ये सारा का सारा माल भर लेता है, मैं काम करता हूँ, पहले चेक कर लेता हूँ कि आखिरकार इस वोल्ट के अंदर जो पेंटिंग मैं लेने आया हूँ वो है या फिर आगे एक नया वोल्ट और है, वो इसको ओपन करके पता चलेगा। तो फटाफट से इसको भी हैक करते हैं, यहाँ पर लगानी होगी पेन ड्राइव लेस्टर वाली और ये अब 2 ही सेकंड में ऑटोमेटिकली हैक हो जाएगा, लेट्स गो लेट्स गो। तो फाइनली मैंने ये वाले वोल्ट का कीपैड भी हैक करके इसको ओपन कर दिया है और यार सचमुच में ये वाला वोल्ट काफी ज्यादा स्लोली ओपन हो रहा है। वेट, मुझे अंदर एक पेंटिंग नजर आ चुकी है और शायद से यही तो नहीं है वो पेंटिंग जो कि अपना वो लिबर्टी वाला बंदा मंगवा रहा था। बाकी ठीक है, हमारा काम है इसको अपने साथ लेकर चलना है, इसको लेकर चलेंगे। और एक सेकेंड, पेंटिंग छोड़ो, यहाँ पर एक रूबी है यार, ये सचमुच में बहुत ज्यादा ही महंगा होगा। तो सबसे पहले ना हम लोग इसी को कट करके बाहर निकाल लेते हैं। ग्लास हमने काटने का प्रोसेस जो है स्टार्ट कर दिया है, यहाँ पर एक तरीके से बर्न होगा और प्रॉपरली ग्लास जो है कट हो जाएगा। और सिर्फ उतना ही ग्लास हम लोग काट रहे हैं जितने में ये रूबी बाहर आ जाए, इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। बाकी लेस्टर ने काफ़ी सारे टूल्स हमें दे के भेजे हैं जिस चीज़ की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली थी, और अगर ये नहीं होते तो शायद हम लोग इसे अभी फिलहाल नहीं चुरा पाते। बाकी ठीक है, ये हमने कट कर दिया है, ग्लास से हमने रूबी भी बाहर निकाल लिया है, लेट्स गो। अभी फटाफट से चल के ना ये वाली जो पेंटिंग है इसको भी हम लोग काट के निकाल लेते हैं। इसके लिए ना मेरे को स्विच ब्लेड चाहिए होगा, फटाफट से इसे काटते हैं। ये वाली पेंटिंग शायद से मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, तो यहाँ से मेरे को इसे प्रॉपर कट करना है, फिर यहाँ से डाउन की तरफ कट करना है। और यार इस तरीके से थोड़ी सी खराब होती है पेंटिंग, बट हाँ वो बंदा शायद दोबारा से फ्रेम करवा लेगा। चलो तो एक पेंटिंग मैंने काट कर निकाली है, फटाफट से जो दूसरी वाली पेंटिंग है मैं इसको भी फटाफट से कट कर देता हूँ। भाई पता नहीं आखिरकार इन पेंटिंग की कीमत बाहर कितनी ज्यादा होगी, हो सकता है ये मिलियन या फिर बिलियन डॉलर्स में हो और हम इसे खाली भी ले जाकर उस बंदे को दे देंगे। बट हाँ हमें फिर सेफ भी तो रहना है यार, अगर एक बार इसने हमारा काम करा दिया तो फिर हम लोग चैन की लाइफ भी जी पाएंगे। बाकी ठीक है, पेंटिंग हमें मिल चुकी है, रोल करके फटाफट से इसे अपने बैग में हम लोग रखवा देते हैं और अभी जल्दी से चलते हैं। थोड़े बहुत यहाँ पर डायमंड्स भी हैं, मैं सोच रहा हूँ उसको भी लूट लूँ कि अभी हमें निकलना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे, थोड़े बहुत नहीं, देखो कितने सारे इधर डायमंड पड़े, ले लेता हूँ यार, मतलब थोड़े से एक्स्ट्रा आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जितना भी डायमंड है सारा उठा उठा के मैंने अपने बैग में भरना शुरू कर दिया है। तो गाइस यहाँ पर ये जितने भी डायमंड्स थे ना ये सारे के सारे उठाकर मैं अपने बैग में बस भरता जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि गोल्ड और कैश हमें लूटने की जरूरत है, इन सभी डायमंड्स में अपना काम हो जाएगा यार। तो अभी यहाँ पर फ्रैंकलिन भी आ चुका है और धड़ाई धड़ भाई इसने भी डायमंड उठा के भरना शुरू कर दिए अपने इन बैग्स में। यहाँ पर एक ये लास्ट स्टोरी और बची है, फटाफट से इसमें से भी डायमंड्स बाहर निकाल कर जल्दी जल्दी भरते हैं अपने बैग के अंदर। तो चलो गाइस अभी फिलहाल काफी अच्छी खासी चोरी हो गई है और शायद अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए वापस से अपने घर के लिए। मतलब बहुत ज्यादा मन कर रहा है कि जितना गोल्ड पड़ा है ये भी सारा का सारा ले चले, बट हमने बहुत सारा डायमंड चुरा लिया है और अपने बैग में भी ज़्यादा जगह बची नहीं है। गोल्ड और कैश अगर उठाना है तो हमें सारा डायमंड फेंकना पड़ेगा। भाई साहब हम लोगों ने रातों रात इतने बड़े बैंक से इतनी बड़ी चोरी कर ली और किसी को भी कानों कान खबर नहीं पड़ी। फिलहाल अभी फटाफट से हम लोग इस लेडर्स के थ्रू ऊपर चलते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कल जब बैंक वाले अपने बैंक पे आएंगे और उन्हें पता चलेगा कि कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक चोर टनल बनाकर उनके बैंक में आए थे और उनका सारा का सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ एक
एक से दो घंटे में ही चुरा के ले गए तो उन्हें सचमुच में बहुत ज्यादा दुख होगा। फिलहाल अभी ट्रेवर और लेस्टर यहाँ से जा चुके हैं क्योंकि उनका सीन ये था, उन्हें बैंक की दूसरी वाली साइड का पैसा चुराना था, तो उन्होंने जल्दी से चुरा लिया, वो निकल लिए। हमारी वाली साइड पे काफी सारे लोग थे तो हमें टाइम लग गया, बट हाँ चोरी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अभी फटाफट से हम लोग यहाँ से गाड़ी लेकर निकलते हैं, पैसा आधा आधा बांटेंगे। बाकी यार देखो, जैसा कि मेरा प्लान था, पैसे के लिए मैंने ये चोरी नहीं करी थी। मेरे को ये था कि भैया वेट, ये चोरी मैंने वैसे करी तो अपने आप को बचाने के लिए थी, पेंटिंग के लिए चोरी करी थी, बट मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे पुलिस को हमारे बारे, वेट पुलिस तो भाई साहब यहाँ पर पहले ही पूरी के पूरे एरिया को घेर कर बैठे हुए, वेट 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 भाई साहब, पुलिस ने इस टाइम पर हमें चारों तरफ से घेर रखा है और अभी ना अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे अपनी गाड़ी को अंदर लेकर जाना होगा। और फ्रैंकली ने तो भाई साहब इन सबके भर के बचा दिया है, ऊपर पुलिस के दो दो हेलीकॉप्टर आ चुके हैं। मेरे को जल्दी से ना चल के ये वाली गाड़ी देनी चाहिए, ये गाड़ी लेस्टर ने हमारे लिए ही खड़ी कर रखी थी कि अगर कल को कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमें यूज़ करनी है। इस गाड़ी के अंदर बहुत खतरनाक गन है, आप आओ तुम्हारी ऐसी की तैसी, किसी को नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पर जितने भी पुलिस वाले हैं ना, इन सबके मैंने भर भर के गोलियाँ बजा दी है। भाई जल्दी निकाल गाड़ी, इसको लेकर चल, ये गाड़ी पानी में भी तैरती है। तो हमारा प्लान तो ये है कि भैया इस गाड़ी को ना जल्दी से जल्दी किसी नदी में या फिर किसी ओशन में लेकर जाया जाए। बाकी यहाँ पर एक बगल में गाड़ी मैंने ब्लास्ट कर दिया है, और भी आगे काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं। वेट भाई, यहाँ पर तो सच में पूरी FBI भी आ चुकी है यार, ये हमारे प्लान को लीक किसने करा? कहीं ये ट्रेवर और लेस्टर की प्लानिंग नहीं आ रहा, फिर क्यों ही होगी यार? लेस्टर तो उल्टा हमारे लिए यार सब कुछ करता है, वो ऐसा क्यों करेगा? बट मुझे समझ नहीं आ रहा, हम लोग टनल के थ्रू निकले, सब कुछ इतना शांति से हुआ, तो फिर आखिरकार इसके बारे में किसी को पता कैसे चला? बाकी यहाँ पर मैंने एक हेलीकॉप्टर पर गोली मार दिया है और हेलीकॉप्टर जाकर क्रैश हो चुका है उस बिल्डिंग में। भाई निशाना बहुत तगड़ा तुम्हारे भाई का। बाकी गाड़ियों पे अभी भी गोलियाँ पड़ रही है, मतलब पीछे मैं हेलीकॉप्टर क्रैश कर दूंगा इसका। वेट, अभी इसका हेलीकॉप्टर फोड़ नहीं होगा, गया पूरा हेलीकॉप्टर, मैंने इसका ब्लास्ट कर दिया है। जल्दी से जल्दी निकलता है, हटा लो भाई गाड़ी, हटा लो, सबकी गाड़ी फोड़ दूंगा मैं इस टाइम। गाइस अभी हम लोग शहर से तो बाहर निकल चुके हैं, बट यहाँ पर और भी सिक्योरिटी है, पूरे के पूरे स्वैट हमें मारने के लिए आ चुके हैं, बट इनकी गाड़ी मैंने ब्लास्ट कर दी। ऊपर हेलीकॉप्टर है, इस हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट करना होगा क्योंकि ये पीछा नहीं छोड़ने वाले। बाकी भाई खतरनाक गाड़ी है, अरे कौन है हटा भाई इसको, इतनी छोटी सी गाड़ी चिपका ली है मैं रोकने के लिए। वैसे गाइस सचमुच में अपनी किस्मत भी बहुत ज्यादा खराब है, पीछे दो हेलीकॉप्टर और आ चुके हैं। ओके तो फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मेन हाईवे पे, रॉन्ग वे जा रहे हैं हम लोग, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर जितने लोग हैं सबको मार मार के गिराने वाला हूँ मैं बहुत ज्यादा बुरी तरह। तो बिना फिलहाल हम लोग अपनी गाड़ी लेकर वापस से आ चुके हैं लॉस सैंटोस के हाईवे पे, क्योंकि ये जो हाईवे है ये डायरेक्ट जाता है सीधा ओशन के लिए। मतलब अगर हम लोग अपनी गाड़ी को पानी में ले जाएंगे ना एक बारी, तो शायद से ये जो पुलिस वालों की गाड़ियां हैं, ये जो FIB वाली है, पुलिस स्वैट है, ये हमारा पीछा करने छोड़ देंगी। हाँ वो बात अलग है, हेलीकॉप्टर तब भी हमारे पीछे आने वाले हैं, बट फिर भी हेलीकॉप्टर से मैं टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं इन सभी को कुछ ही सेकंड में ब्लास्ट करके डाउन कर सकता हूँ। भाई एक सेकंड आने दो, अभी इनका ये जो हेलीकॉप्टर है ना ये पूरा मैंने ब्लास्ट कर दिया है। बाकी भाई फ्रैंकलिन की ड्राइविंग बहुत ज़्यादा तगड़ी है, बंदा ड्राइविंग करते करते पुलिस वालों को मार रहा है। ओह वेट भाई साहब, ये गाड़ी दोबारा ऐसे नहीं डूबनी चाहिए, वरना मैं सचमुच में बहुत ज़्यादा बुरी तरह गिर जाऊँगा। एक तो यार ये ना रॉन्ग वे चला रहा है, इसलिए नहीं कि इसे बहुत तगड़ी आती है, ये रॉन्ग वे इसलिए चला रहा है ताकि पुलिस वालों को हमारे हमें फॉलो करने में प्रॉब्लम आए। बाकी ठीक है, यहाँ पर ये गाड़ी और आ चुकी है, जितने लोग हैं मैं तो भाई अभी सबको ही धड़ाधड़ मारता जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा बुरी तरह। बाकी अभी सामने से एक गाड़ी और आ रही है भाई, इसका टायर मारो मारो मारो, गए गए गए, दो लोग थे, दोनों ही दोनों को टपका दिया है। FIB व्हीकल यहाँ पर आई है और ये भी पूरी जा चुकी है, हमें कहीं पर भी अपनी गाड़ी रोकनी नहीं है, बस जितने भी बंदे आ रहे हैं उन सबको टपकाते चलना है। बाकी ये टनल काफ़ी ज़्यादा सही है, एटलीस्ट ओ भिड़े मुझे मुझे, अबे यार ये हम जितना ज़्यादा भिड़ेंगे ना मेरे उतने ही ज़्यादा गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और अगर मैं गिरा तो फिर हमारा बचना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बाकी पीछे जो गाड़ी थी भर भर के गोलियां बजा दी है मैंने उसके अंदर, पर ना गाड़ी नहीं ब्लास्ट कर पाया, और सारे के सारे पुलिस वाले तुम्हारा भाई सबको मार डाल रहा है। बाकी हाँ इस टनल के अंदर हमें हेलीकॉप्टर तो नहीं मारने वाला एटलीस्ट, चलो भाई चलो, कोई नहीं बचेगा अभी हमसे। ओके तो अभी हम लोग टनल के बाहर आ चुके हैं, और लेफ्ट साइड में आप लोग देख पा रहे हो वो पूरा का पूरा ओशन है, अब बस कुछ भी करके अपनी गाड़ी को पानी तक लेकर पहुंचना है। बाकी एक हेलीकॉप्टर यहाँ पर और आ चुका है, और लगे हाथ में इसको भी ब्लास्ट कर देता हूँ, गया भाई
पूरा हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो गया और बस वो हमारे ऊपर ही आकर गिरने वाला था, मुझे ऐसा लग रहा था, पर ठीक है हम लोग बच गए। एक हेलीकॉप्टर और मेरा पीछा कर रहा है, बाकी गाड़ी पानी में आ चुकी है और एकदम मस्त तरीके से तैर रही है जैसा कि लेस्टर ने हमें बोला था। अरे चले जा भाई, क्यों खाली पीली मर के जाने वाला, वेट इसका मरने का मन है तो हम लोग इसको लेटा ही देते हैं। ले गया भाई, पूरा हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो चुका है और अभी शायद से पूरा मामला शांत हो गया है। हम लोग बिल्कुल शहर से बाहर वापस आ चुके हैं। अब मुझे ये आइडिया नहीं कि ये गाड़ी लिबर्टी सिटी तक पहुंचेगी या फिर नहीं। फिलहाल गाइस अभी हम लोग लॉस एंड्रोस वापस नहीं जा सकते, हमें लिबर्टी सिटी निकलना पड़ेगा। बट हाँ यार, मुझे ना अभी तक ये बात नहीं समझ आ रही है कि पुलिस को आखिरकार प्लान के बारे में मालूम कैसे पड़ा। सिर्फ और सिर्फ हम चार लोग जानते थे, तो हो सकता है हम चारों में से किसी एक ने ये बात लीक करी हो, बट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। फिलहाल अभी लिबर्टी चलकर उस बंदे को पेंटिंग पकड़ाते हैं, देखते हैं वो हमारी हेल्प करता है या फिर नहीं करता, और अगर करता है तो कैसे करता है। बाकी आप लोग को क्या लगता है आप लोग कमेंट्स में जाके जरूर बताना है कि क्या माइकल दोबारा अपनी पहले जैसी नॉर्मल लाइफ जी पाएगा या फिर नहीं। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो फटाफट से वीडियो को जाके लाइक करना है। इस वीडियो पर एम करते हैं 1.2 मिलियन लाइक के लिए, तो जल्दी से लाइक बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। एंड आई नो इस बारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, बट नेक्स्ट टाइम वीडियो जल्दी आएगा। लाइक गोल कंप्लीट कर दो, कमेंट्स कर दो बहुत सारे, और शेयर भी कर देना इस बारी वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।